हेलो एवरीवन सो एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू सो वेलकम टू द चैनल एनसीईआरटी वाला और आज हम पढ़ने वाले हैं वन शॉर्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशन ठीक है आई होप सबको मेरी आवाज आ रही है और सबको मैं दिखाई दे रहा हूं ठीक है जो भी है आप चैट में लिखते रहे ना ठीक सो एम आई ऑडिबल एंड विजिबल सबसे पहले आप चैट में इसका जवाब दे दीजिए ठीक है चैप्टर को शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मेरी पहली क्लास है आज आप लोगों के साथ सो दिस इज शिखा बंसल आज हम केमिस्ट्री का पूरा एक चैप्टर एक शॉर्ट में खत्म करने वाले हैं और इस चैप्टर के लिए आपका जितना भी समस्या है ट्वेल्थ बोर्ड नीट सब कुछ आज फिनिश हो जाएगा ठीक है बस आप लोगों को मेरे साथ ये चैप्टर क्या करना है ध्यान से पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है राइट सो सोल्यूशन चैप्टर बेटा क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर टू अगर मैं एनसीआरटी की बात करूं तो ठीक है कुछ पढ़ा है पहले से बहुत अच्छी बात है और कुछ नहीं पढ़ा है तो उससे भी अच्छी बात है ठीक है क्योंकि हम ना इसको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे और ट्वेल्थ में क्या क्वेश्चन आते हैं या नीट में किस तरह के सवाल आते हैं मैं आपको दोनों ही यहां पर बता दूंगी और राइट सो किसी को कोई समस्या तो नहीं है स्टार्ट कर दे हम चलो शुरू करते हैं चैप्टर को तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में ना हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं टॉपिक्स हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इससे शुरू करते हैं देखो हमें पढ़ना है सोल्यूशन के बारे में ठीक है तो सबसे पहले ना हम उसके टाइप देखेंगे कि सोल्यूशन किस किस टाइप के होते हैं ठीक उसके बाद ना सोल्यूशन में आपने क्लास इलेवेंथ में एक चैप्टर पढ़ा था सम बेसिक कंसेप्ट और उसमें आपने देखा था कि एक तो टर्म होता है जिसको हम कहते हैं कंसनट्रेशन तो हम कंसनट्रेशन के बारे में सीखेंगे और कंसेंट्रेशन बच्चे बहुत सारे टर्म्स हैं इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कंसेंट्रेशन टर्म्स बहुत सारे मल्टीपल कंसेंट्रेशन टर्म्स है उसके बारे में सीखेंगे उसके बाद अपने सोल्यूशन में हमें गैस इन लिक्विड पढ़ना है और गैस इन लिक्विड में क्या पढ़ना है हेनरीज लॉ लॉ देन वी विल डू लिक्विड 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 इन इन में पढ़ते हैं हम बेसिकली एंड देन वी विल डू सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन और सॉलिड इन लिक्विड में हम पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ठीक है क्लियर है सबको चलो कर दे शुरुआत चलिए So, सबसे पहले ना आप लोग ये सोचो कि भाई ये सोल्यूशन होता क्या बताओ मुझे बताओ कि वॉट इज अ अल्यूशन और आसान भाषा में बताना है ना किताबों वाली डेफिनेशन नहीं इज अ देखो सॉल्ट को पानी में मिक्स कर दिया घुमाया क्या बन गया सोल्यूशन मान लो ये पानी है इसमें मैं थोड़ा सा शुगर मिक्स कर लू थोड़ी देर बाद ऐसे हिलाओगे शुगर डिसअपियर हो जाएगा क्या बन गया सोल्यूशन ठीक है ग्लूकोज को पानी में मिक्स कर दिया सोल्यूशन इथेनॉल और पानी ठीक है इथेनॉल और पानी बिल्कुल मिक्स कर दिया क्या बन गया सोल्यूशन तो ये तो हमें पता चल रहा है कि हम ना सोल्यूशन बनाने के लिए कुछ मिक्सिंग कर रहे हैं राइट मतलब सिंपली अगर मैं बोलूं तो मतलब हम कुछ मिक्स कर रहे हैं तब सोल्यूशन बनता है तो क्या मैं कह सकती हूँ कि सोल्यूशन इज अ मिक्सचर सबसे पहली बात हमें क्या समझ में आई कि सोल्यूशन इज मिक्सचर ठीक है अब मुझे एक बात बताओ सॉल्ट को पानी में मिलाया पूरा डिसअपीयर हो जाएगा है ना गायब हो जाएगा सॉल्ट तो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है होमोजेनियस तो दूसरी बात हमको बेटा ये समझ में आ रही है कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है कैसा मिक्सचर है होमोजेनियस अब तुम लोग पूछोगे मैम होमोजेनियस क्या बच्चे होमोजेनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट मैं लिख दूं यहां पर होमोजेनियस का मतलब है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मतलब आंखों से देखोगे तो पता नहीं लगेगा दूध वाला पानी मिला के लाया है पता नहीं लगेगा देखकर ठीक है नेकेड आइस से देखोगे तो कुछ पता नहीं लगेगा कि हाँ कुछ मिक्स है तो होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन तो ये जो डेफिनेशन है ना मैंने यहाँ पे इसलिए लिखवाई है क्योंकि बोर्ड में ना ऐसे बहुत एक तो वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे फिर शॉर्ट आएंगे फिर लॉन्ग भी आएंगे और अगर आपसे पूछते हैं कि वॉट इज अ सोल्यूशन तो आपको ये मेंशन करना है कि सोल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स या फिर आप कह सकते हो प्योर सब्सटेंस सो ऑफ़ टू और मोर कंपोनेंट्स या फिर प्योर सब्सटेंस बच्चे अच्छा अगर हमारे पास सल्यूशन में केवल दो ही कॉम्पोनेंट्स हैं केवल दो ठीक है तो इस सल्यूशन को हम कहते हैं बेटा बाइनरी सल्यूशन क्या बोलते हैं बच्चे बाइनरी बाइनरी तो अगर सल्यूशन में दो ही कंपोनेंट्स हैं अच्छा, है, तो उन दो कॉम्पोनेंट्स को एक को आप कहते हो सोल्यूट क्या मैंने कोई नई बात बताई है क्या अभी तक आपको नहीं क्लास इलेवेंथ में सबने पढ़ा हुआ है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सब कुछ था उसमें सिर्फ रिवीजन चल रहा है अभी तो सोल्यूशन का जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एज इट इज है कंसेंट्रेशन तक तो हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा जल्दी कवर करेंगे फिर बाद में अपना मेन पार्ट स्टार्ट होगा तो सॉल्यूट कहते हैं और सॉल्वेंट कहते हैं ठीक है अब सॉल्यूट किसे कहते हैं बच्चे सब्सटेंस विच इज डिजोल्व है ना वॉट इज सोल्यूट सब्सटेंस विच इज डिजोल्व जिस सब्सटेंस को आप डिजोल्व कर रहे हो दैट इज सोल्यूट ठीक है डिजोल्व कर रहे हो क्या मतलब है भाई नमक को पानी में घोला तो नमक सोल्यूट है नमक को घोला नमक को डिजोल्व किया नमक सोल्यूट है सॉल्व सोल्यूट है सॉल्वेंट क्या है मीडियम इन विच सोल्यूट इज डिजोल्व वो मीडियम जिसमें सोल्यूट डिजोल्व है वो क्या है बेटा वो है बेटा सॉल्वेंट। क्लियर हुई इतनी बात बोल दो इतनी बात सबको समझ में आ गई लाइक करते रहना चैट में था हम सब करते रहना कि हाँ समझ में आ गया हाँ इतना क्लियर है ना चलो अब मैं आपको एक बढ़िया बात बताती हूँ ठीक है एक एक कहानी याद आ गई उससे रिलेट करके बताऊंगे आईआईटी एडवांस 2008 में एक सवाल आया था उस टाइम एडवांस मेंस नहीं होता था केवल आईआईटी होता था एक सवाल आया था इथेनॉल एंड वाटर ठीक है इथेनॉल प्लस वाटर अब इसमें सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट कौन अब क्या होता है ना अपना दिमाग ना तेजी से बोलता है वाटर सॉल्वेंट है मुझे नहीं पता क्यों बोलता है कहीं से फीड है ये दिमाग में ना ये बात कि वाटर इज अ सॉल्वेंट तो इथेनॉल एंड वाटर और इस सवाल में खास बात क्या थी पहले वो समझ लेते हैं फिर क्यों थी ये मैं समझाऊंगे तो इस सवाल में खास बात ये थी कि बेटा इथेनॉल सॉल्वेंट था और वॉटर आपके पास सोल्यूट था तो आप लोग क्या सीखे इससे कि कभी भी ना देखते ये नहीं बोलना कि पानी तो सॉल्वेंट ही है क्या सीखा कि कभी भी देखते ये नहीं बोल रहे ना कि पानी तो सॉल्वेंट ही होता है वॉटर इज अ सॉल्वेंट आप नहीं बोलोगे तो कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है ठीक है अगले पेज पे चलते है, सीखते हैं इसको देखो अगर मेरे पास सॉल्यूशन है गैस इन लिक्विड क्या सोल्यूशन लिखा है मैंने बेटा गैस इन लिक्विड इसका मतलब होता है कि गैस को डिजोल्व किया गया है लिक्विड में अगर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन है तो बेटा सोल्यूट हमेशा गैस होगा और सोलवेंट हमेशा लिक्विड होगा ये फिक्स है तो यहां पर दिक्कत नहीं है यहाँ पे दिक्कत नहीं है, यहां पे दिक्कत नहीं है. अगर मेरे पास सोल्यूशन है सॉलिड इन लिक्विड इसको देख के क्या समझ में आया कि सॉलिड डिजॉल्व है लिक्विड में तो बेटा सॉलिड यहां पर सॉल्यूट होगा और लिक्विड यहां पे सॉल्वेंट होगा कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत केवल वहां आती है जहां मेरे पास जहां मेरे पास सोल्यूशन आ जाता है लिक्विड इन लिक्विड तो यहां स्टार लगा लो भाई दिक्कत केवल वहां आती है जहां मेरे पास सोल्यूशन आ जाता है लिक्विड इन लिक्विड इथेनॉल एंड वाटर अब वहां डिपेंड करेगा बनाने वाले के ऊपर कि किसने कितना इथेनॉल डाला और किसने कितना पानी डाला ठीक है समझ लेना जो कम क्वांटिटी में होगा जो कम क्वांटिटी में होगा लिक्विड इन लेस अमाउंट जो लिक्विड कम होगा वो सॉल्यूट होगा और जो लिक्विड ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा सॉल्वेंट तभी मैंने बोला ना अब बनाने वाले पे डिपेंड करेगा कि कितना क्या मिलाया गया है तो वो जो आई एडवांस में सवाल आया था दो में उसमें बस यही छुपा हुआ था कि इथेनॉल ज्यादा था पानी कम था इथेनॉल ज्यादा था पानी कम था इसीलिए ये कहानी हो गई तो ये समझ में आ गया किसी को कोई दिक्कत है अभी तक सॉल्यूशन क्लियर हो गया सॉल्यूट क्लियर हो गया सॉल्वेंट क्लियर हो गया आगे चल जाए आगे चले बढ़ जाए आगे अभी तक सब क्लैरिटी है चलो जीवन में क्लैरिटी जरूरी है चलो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की बात करेंगे रिमोट रख देता हूँ मेरा थोड़ा ट्रबल कर रहा है रिमोट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की बात करेंगे बेटा देखो एग्जाम्पल के साथ लिखने है। मैं आपको टाइप बताऊंगे आप लोग मुझे एग्जाम्पल बताओगे मिलजुल पढ़ाई करनी है तो मैंने कहा सोल्यूट है गैस मैंने कहा सोल्यूट है गैस और सॉल्वेंट भी है गैस तो इस तरह के सोल्यूशन को हम कहते हैं गैस इन गैस क्या कहते हैं गैस इन गैस अच्छा इसका एग्जाम्पल सोचो कि गैस में गैस गैस मिक्स है इन गैस सोल्यूशन है अगर मैं लिख एयर अरे दिल्ली की हवा की बात नहीं हो रही है दिल्ली वाली हवा नहीं उसमें तो धुआं कचरा डस्ट सीमेंट रेट सब मिक्स है मैं प्योर एयर की बात कर रही हूँ शुद्ध हवा जो हमें मिलती नहीं है आजकल तो प्योर एयर की मैं बात करूं तो प्योर एयर इज अ होमोजेनियस गैसे मिक्सचर बेटा उसमें नाइट्रोजन है बच्चे उसमें ऑक्सीजन है बेटा थोड़ा बहुत सीओ टू भी है आप छोड़ रहे हो दिन रात सीओ टू तो रहेगा ही थोड़ा बहुत अदर गैसेस भी है, है ना मेनली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है सबको हम सबको ये बात पता है तो मैंने यहाँ पे प्योर एयर की बात की तो मैंने लिख दिया गैस इन गैस सोल्यूशन क्या ये बात समझ में आई ठीक है दूसरा टाइप मैंने लिखा गैस और सॉल्वेंट क्या है इस बार लिक्विड गैस लिक्विड में मिक्स है दिमाग लगाइए और सोचिए क्या एग्जाम्पल हो सकता है और इस सोल्यूशन के टाइप को हम बोलेंगे क्या देखो इसको हम बोलेंगे गैस इन लिक्विड सोल्यूशन ठीक है गैस इन लिक्विड कहेंगे हम इसको तो गैस लिक्विड में मिक्स है देखो सोडा पिया कभी सोडा के अंदर ऐसे हिला के देखोगे तो फिज बनती है वो फिज इसी वजह से बनती है क्योंकि उसमें गैस है कोल्ड ड्रिंक हो गई आपकी सोडा हो गया बेटा जितना भी एरेटेड ड्रिंक्स हैं जितना भी आपका कार्बोनेटेड बेवरेजेस है वो सब इसी कैटेगरी में आएगा ठीक है तीसरा मैंने लिखा गैस एंड है बेटा सॉलिड है बेटा सॉलिड तो इसको हम कहेंगे गैस इन सॉलिड कैसा है ये सोल्यूशन गैस इन सॉलिड सोचो कोई एग्जाम्पल चलो मैं तुम लोगों को केमिस्ट्री से ही रिलेट कराती हूँ एग्जाम्पल फालतू तो वालतू तो एग्जाम्पल सिर्फ केमिस्ट्री का एग्जाम्पल एक रिएक्शन पढ़े हो, क्लास में हाइड्रोकार्बन में कि निकिल प्लैटिनम या पैलेडियम मुझे पता याद आ गया इतने से इतना हिंट काफी है निकिल प्लैटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं एल्किस का एल्केन में हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तो हम क्या करते हैं ऐसे निकिल का टुकड़ा ले लेते हैं मेटल का सरफेस ले लेते हैं निकल का ले सकते हो प्लैटिनम या पैलेडियम और हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर क्या हो जाती है एब्जॉर्ब तो दिस इज अ टाइप ऑफ गैस इन सॉलिड तो मैं लिख देती हूँ हाइड्रोजन इन पैलेडियम ठीक है केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है याद रखना हाइड्रोजन इन पैलेडियम देखो अब मैंने लिखा लिक्विड और सॉल्वेंट ले लिया मैंने गैस फिर मैंने ले लिया लिक्विड सॉल्वेंट ले लिया बेटा लिक्विड और तीसरा मैंने ले लिया लिक्विड के साथ में सॉलिड है ना समझ रहे हो तो लिक्विड गैस में सॉल्यूशन बनाया हुआ है लिक्विड इन गैस थिंक अबाउट इट लिक्विड इन गैस सोचो परफ्यूम्स वगैरह तो यूज करते हो गए डिओड्रेंट्स परफ्यूम स्प्रे उसमें क्या होता है बेटा लिक्विड होता है गैस में और इस सॉल्यूशन को हम लिखेंगे लिक्विड इन गैस ठीक मैंने यहां पे लिख दिया स्प्रे स्प्रे का मतलब है डियोड्रेंट्स परफ्यूम स्प्रे ये सब लिक्विड इन लिक्विड ठीक है इसको तो आज की क्लास में हमें डिटेल में डिस्कस भी करना है लिक्विड इन लिक्विड कहते हैं इस टाइप को बेटा इथेनॉल सॉल्यूशन ठीक है या और भी हैं दो लिक्विड को आप आसपास में मिला दो बेंजीन एंड टॉलविन मिला दो जरूरी नहीं अल्कोहल ही मिलाना है ईथर मतलब ईथर तो नहीं छोड़ो आप दो अल्कोहल मिला लो या दो हाइड्रोकार्बन मिला लो या फिर आप दो कोई भी एसिड मिला लो वो सब लिक्विड इन लिक्विड है या एच एन ओ थ्री को पानी में डाल दो वो भी लिक्विड इन लिक्विड है फिर बेटा हम और टाइप लिखेंगे यहाँ पे ठीक है बच्चे अब और टाइप लिखेंगे यहाँ पे अब कोई दिमाग लगा के मुझे बता सकता है कौन कौन सा बचा हुआ है क्या क्या टाइप आपको लग रहा है कि बचा हुआ है देखो मुझे लग रहा है कि अभी गैस गैस तीन हो चुका है, लिकुड -लिकुड तीन हो चुका है तो तीन सॉलिड सॉलिड भी आना चाहिए तो मैंने लिखा सॉलिड और किस में है ये गैस में है सबसे पहले फिर बेटा सॉलिड किस में है बच्चे लिक्विड में है इसके बाद और लास्ट में बेटा सॉलिड किस में है सॉलिड में है बेटा तो मुझे ये बताओ कि कितने टाइप के सोल्यूशन आपको दिखाई देगा काउंटिंग तो कर लोगे वन टू थ्री फोर नहीं आती छोटे बच्चे से दोस्ती कर लेना कलोनी में वन टू थ्री फोर तो सीखना ही पड़ेगा ना कितना टाइप का सोल्यूशन हो गया टोटल टोटल यहां से देखोगे तो सोल्यूशन है टोटल नाइन टाइप का कितना टाइप का सोल्यूशन हो गया बेटा नाइन टाइप का चलो सॉलिड इन गैस अच्छा लिक्विड इन सॉलिड भी बचा हुआ है अभी तो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल सोचोगे लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल सोचो बेटा। बटर देखा आपने बटर क्या आप बटर को बोलोगे कि वो एक्सट्रीम सॉलिड है मतलब किसी के सर में बटर का एक टिक्की लेके बटर का टुकड़ा फेंक के मारूं तो सर फूट जाएगा इतना सॉलिड है क्या बटर नहीं है वो इतना सॉलिड इसलिए नहीं है बटर है या क्रीम्स है वो इतनी सॉलिड इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें लिक्विड मिक्स होता है इन सॉलिड तो हम यहाँ पे लिखेंगे बटर क्रीम है ना चीज एक्सेट्रा ठीक फिर सॉलिड इन गैस बताओ बेटा सॉलिड इन गैस मैंने शुरू में एक एग्जाम्पल दिया था दिल्ली की हवा है ना डेलीज एयर पोल्यूशन द फेमस डेलीज एयर पोल्यूशन तो सॉलिड इन गैस क्या है कि स्मोक इन एयर आपने पूरे एयर में धुआं धुआं कर रखा है कार्बन के पार्टिकल्स कार्बन के सॉलिड पार्टिकल आपकी हवा में घूम रहे हैं स्मोक इन एयर ठीक है सॉलिड इन गैस सॉलिड इन लिक्विड सोचो बेटा सॉलिड इन लिक्विड सोचो बेटा सॉल्ट सोल्यूशन हो गया बेटा है ना सॉल्ट सोल्यूशन बेटा शुगर सोल्यूशन सॉल्ट को पानी में मिला दो शुगर को पानी में मिला दो ग्लूकोज को पानी में मिला दो ये सब सॉलिड इन लिक्विड है और लास्ट में है सॉलिड इन सॉलिड कौन बताएगा मुझे सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल सोच लो जवाब दीजिए सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल बेटा एलॉय कॉपर क्या है कॉपर इज अ मेटल ठीक है बट ब्रास क्या है ब्रॉन्ज क्या है ब्रॉन्ज मेडल जो मिलता है वॉट इज ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ब्रॉन्ज में आपके पास कॉपर भी है और आपके पास निकल भी है निकल होता है टिन होता है मतलब दो मेटल का मिक्सचर है है ना ब्रास में आपके पास एक कॉपर भी है और एक दूसरा मेटल भी है या स्टील में आपके पास आयरन भी है निकल भी है क्रोमियम भी है तो मेटल्स का मिक्सचर है लेकिन क्या स्टील को जब आप देखते हो तो आप आंखों से देख के बता सकते हो हाइज में तीन चार चीजें मिक्स है नहीं बता सकते क्यों क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर है सिंपल ठीक है तो सॉलिड इन सॉलिड में हम क्या लिखेंगे बेटा एलॉय ठीक तो ये हमारे नौ टाइप के सोल्यूशन हो गए बिल्कुल मत घबराना क्योंकि हमें नौ के नौ नहीं पढ़ने हैं हमारा जो सिलेबस है अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया हो मैंने आपको टॉपिक्स टू बी कवर्ड दिखा दिया था तो हमें केवल इनमें से नौ में से कितने पढ़ने हैं कितने पढ़ने हैं वेरी गुड केवल तीन और वो तीन कौन कौन से हैं बेटा हमको गैस इन लिक्विड पढ़ना है बच्चे हमको लिक्विड इन लिक्विड पढ़ना है

यही तीन सोल्यूशन पढ़ने हैं और इन तीन सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं हम इनको लिक्विड सोल्यूशन भी कहते हैं और आप किसी बुक में देखोगे ना एनसीआरटी में तो इस चैप्टर को सोल्यूशन लिखा हुआ है बट किसी किसी किताब में इस चैप्टर को ही लिक्विड सोल्यूशन लिखा हुआ है क्योंकि हम इसमें लिक्विड सोल्यूशन ही पढ़ने वाले हैं वाई डू वी कॉल इट लिक्विड सोल्यूशन क्योंकि इनका सोलवेंट लिक्विड है तो क्या यहां से एक बात आप नोटिस कर पा रहे हो एक नोट लिखोगे दस हजार वाला दस हजार वाला नोट लिखना जरा ठीक है काम आएगा बोर्ड में कितने का नोट है दस हजार का नोट है नोट ये कह रहा है कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज डिसाइडेड बाय टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज डिसाइडेड बाय द फेज ऑफ इट्स सॉल्वेंट फेज ऑफ एट सॉल्वेंट क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को कि हमने क्यों बोला कि वो पिछले वाले तीन सोल्यूशन लिक्विड सोल्यूशन है क्यों मैंने ऐसा कहा कि वो पिछले वाले तीन सोल्यूशन लिक्विड सोल्यूशन है क्योंकि बेटा उनका सोलवेंट लिक्विड था इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि टाइप ऑफ सोल्यूशन इज डिसाइडेड बाई सेंट की फेज जो सॉल्वेंट की फेज होगी वही टाइप का सोल्यूशन कहलाएगा क्लियर हो गया ना टाइप्स में कोई दिक्कत तो नहीं है से सब इन द चैट क्लियर हो गया क्लैरिटी है टाइप्स में आगे बढ़ जाऊं मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चल दे पहला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं पक्का कोई दिक्कत नहीं चलो मान लेते हैं तुम लोगों की बात मान लेते हैं चलिए मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन क्या करने वाले हैं हम मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन पढ़ने वाले हैं ठीक है क्लास इलेवन में पढ़ चुके हो तो सब लोग मेरे साथ साथ में है ना जवाब देते हुए पढ़ोगे क्योंकि पहली बार नहीं पढ़ रहे हो सब पढ़ चुके हैं इसको तो वॉट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट्रेशन कौन कौन बताएगा वंसेंट्रेशन किसे कहते हैं क्या उसे कहते हैं जो आपका हो नहीं पाता बोर्ड पे बहुत देर तक फोकस नहीं हो पा रहा कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा देखो मैंने कहा सॉल्यूशन दो चीजों का मिक्सर है और जब भी आप कोई दो चीजें मिक्स करोगे तो आप ये तो बताओगे ना कि कितने अमाउंट में मिक्स किया है है ना बताओगे भाई आपने और पानी मिला दिया तो सामने वाले को बताओगे कितना मिलाया है बताओगे आपने शुगर और पानी मिला दिया तो बताओगे ना कितना शुगर मिक्स है तो बस वही अमाउंट जो हम बताते हैं उसी को कंसेंट्रेशन कहा जाता है तो व्हाट इज कंसेंट्रेशन सब लोग लिखेंगे मेरे साथ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसे हम कंसेंट्रेशन कहते हैं ठीक है ठीके? जितना ज्यादा सोल्यूट बढ़ाते चले जाओगे सॉल्यूशन उतना कंसेंट्रेटेड होता चला जाएगा तो मोर सोल्यूट मोर सोल्यूट मोर कंसंट्रेशन जितना सॉल्यूट आप बढ़ाते चले जाओगे उतना उसका मतलब होता है कि उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड है और अगर सॉल्वेंट ज्यादा है बेटा इसको भी साथ में लिख ही लो कि अगर सॉल्वेंट ज्यादा है तो उसको क्या कहते हैं अगर सॉल्वेंट ज्यादा है तो हम कहते हैं मोर डाइल्यूट कंसंट्रेशन का ऑपोजिट वर्ड है डाइल्यूशन बेटा कंसंट्रेशन का ऑपोजिट वर्ड है डाइल्यूशन तो डाइल्यूट का मतलब होता है सॉल्वेंट बढ़ाना और कंसेंट्रेशन का मतलब होता है सॉल्यूट बढ़ाना क्लियर है इतनी बात पक्का चलो तो हम ये देखते हैं कि कंसेंट्रेशन को हम किस किस टर्म में बता सकते हैं भाई मुझे अमाउंट बताना है।, है ना तो मेरा मन करेगा तो मैं बोलूंगी कि दो चम्मच मिलाया है मम्मी लोगों से जाके पूछोगे तो वो कहेंगे अरे ऐसे ही कुछ अंदाजे से मिला दिया था याद तो नहीं है डाल लो ऐसे डब्बे से पलट लो डायरेक्ट वो ऐसे बताएंगे अमाउंट किसी और अच्छे पढ़े लिखे इंसान पे जाओगे तो वो शायद बोलेगा आई एड 20 ग्राम्स ऑफ शुगर किसी और से पूछोगे तो तो वो आपको कह सकता है two cubes of sugar just. तो अलग-अलग तरीका है अमाउंट बताने का सबका है ना सबका अमाउंट बताने का अलग अलग तरीका है और अगर सबका अमाउंट बताने का अलग अलग तरीका है तो उस अलग अलग तरीके के हिसाब से बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पॉसिबल है राइट right? हम कौन कौन से पढ़ेंगे हम कंसेंट्रेशन टर्म्स में पढ़ेंगे परसेंटेज बाय मास ठीक है समझ में आ रहा होगा परसेंटेज आप बचपन से निकाल रहे हो हर कोई रिजल्ट के बाद आपकी परसेंटेज पूछता है आपसे तो वही परसेंटेज परसेंटेज बाय मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम वॉल्यूम के हिसाब से परसेंटेज निकालेंगे मास के हिसाब से परसेंटेज निकालेंगे फिर आपने ना केमिस्ट्री वाले लोगों ने एक शब्द सीखा है बहुत मेहनत करके सीखा है आपकी केमिस्ट्री की क्लास शुरू ही उस शब्द से हुई थी मोल तो मोल सीखा है तो मोल को यूज भी किया जाएगा फिर हम कंसंट्रेशन बताएंगे इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन एक हम कंसेंट्रेशन बताएंगे बेटा इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी बच्चे एक हम कंसंट्रेशन बताएंगे इन टर्म्स ऑफ मुलाटी बेटा एक हम कंसेंट्रेशन बताएंगे इन टर्म्स ऑफ नॉर्मैलिटी क्योंकि बच्चे सवाल आ जाता है बहुत ज्यादा नॉर्मैलिटी पर ठीक है तो ये हमारे मेन मेन टर्म्स हैं जिसको हमें वन वन आज की क्लास में पढ़ना है चलो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम स्टार्ट कर देते तो सबसे पहला परसेंटेज बाय मास लिखा था मैंने अभी इसको पीछे मैंने लिखा था इसको इस तरह से परसेंटेज बाय मास ठीक है इसको बेटा शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ध्यान से देखना परसेंटेज डब्लू बाई डब्लू डब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है वेट को पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वेट 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 केमिस्ट्री में मास वेट एक है मैंने कहा केवल केमिस्ट्री में मास वेट एक है कल जाके फिजिक्स वाले सर को ये मत कह देना हमने सिखाया था मास और वेट एक है मैंने कहा केमिस्ट्री में केवल मास वेट सब एक है फिजिक्स में जाके बदल जाता है तो केमिस्ट्री में आप मोलर मास भी लिख देते हो मोलर वेट भी लिख सकते थे मॉलिक्यूलर मास भी लिख देते हो मॉलिक्यूलर वेट भी लिख देते हो कोई आपको डंडा लेके टोकता नहीं है क्यों लिखा तो यहाँ चलता है तो इस w का मतलब है वेट परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज बाय मास क्या होता है बेटा देखो परसेंटेज w w इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल आपका जो सॉल्यूशन है उस पूरे सॉल्यूशन का मास और मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से ये रूल है भाई जब भी परसेंटेज निकाली जाती है मल्टीप्लाई हंड्रेड से किया जाता है पर सेंट पर सेंट सेंट का मतलब सौ तो सौ में से आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा सेंट मतलब हंड्रेड तो ये है परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का फॉर्मूला कि कितना सॉल्यूट है कितने सॉल्यूशन में हाँ एक चीज ध्यान रखना एक बात याद रखना कि दोनों जगह यूनिट क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए अगर मैंने सोल्यूट का मास ग्राम में रखा है तो बेटा सोल्यूशन का मास भी किस में रखा जाएगा ग्राम में ही रखा जाएगा क्लियर है क्या ये बात इतनी बात हमें समझ में आ गई चलो वेरी गुड तो एक सवाल कर लें इसी बात पे एक सवाल लिख लें इसी बात पे क्वेश्चन दे दूं मैं एक आप लोगों को लिखो राइट डाउन द क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड ऐसे लिखो फोर्टी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन टू हंड्रेड ग्राम्स ऑफ वाटर ठीक है एच टू तो जानते हो ना एच टू मतलब पानी तो फोर्टी ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व किया गया है कितना टू हंड्रेड ग्राम वाटर में फाइंड परसेंटेज डब्लू बाय हमें सोल्यूट का कंसेंट्रेशन परसेंटेज बाय मास के टर्म्स में बताना है बेटा 40 ग्राम ग्लूकोस को डिजोल्व किया गया है 200 ग्राम वाटर में जल्दी से क्विकली आप क्या लिखोगे आप फॉर्मूला लिखोगे सबसे पहले परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ जवाब आते रहने चाहिए चैट में इससे पहले मेरा सवाल सॉल्व हो आप लोग के जवाब आते रहने चाहिए चैट में और मुझे कुछ ट्वेंटी 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 दिख रहा है मुझे मेजोरिटी में ट्वेंटी दिख रहा है अभी देखते है इसका solution, हैं इसका आंसर क्या मास ऑफ मास्यूट अपॉन सॉल्यूशन मुझे मेजोरिटी में ट्वेंटी दिख रहा है इन टू हंड्रेड ठीक है बेटा सॉल्यूट का मास कितना है बच्चे बेटा सॉल्यूट का मास कितना है अरे मैम इतना सिंपल है चालीस ग्राम ग्लूकोज है तो चालीस रख देंगे बेटा सल्यूशन का मास कितना है बस यही तुम लोगों ने गलती की है जो भी लोग ट्वेंटी आंसर कर रहे हैं ना ध्यान दे दो थोड़ा सा सल्यूशन का मास होगा 240 ना कि 200 कितने बच्चे हैं जिन्होंने 200 लिखा है जल्दी से बड़ा सा क्रॉस लगा दो 200 लिख के अरे सल्यूशन का मास टोटल सल्यूशन का मास देखो ध्यान दो 40 ग्राम तो आपके पास ग्लूकोज है और उसे आपने मिलाया है 200 ग्राम पानी में 40 ग्राम ग्लूकोज को आपने 200 ग्राम पानी में मिलाया है सोल्यूशन का मास कितना आएगा 240 अब मल्टीप्लाई करो 100 से छः बार कट जाएगा वन बाय सिक्स इंटू हंड्रेड अब मुझे सॉल्व करके बताओ 20 कैसे आया करो सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट इज द करेक्ट आंसर तो जितना आसान तुम लोग सोच रहे थे ना सवाल दे दिया मैंने कि मैम क्या पढ़ा रहे इतना आसान सवाल दे रहे हैं उतना आसान या था नहीं तो गलती समझ में आई दोबारा तो नहीं करोगे ये गलती दोबारा तो नहीं रिपीट होगी पक्का पोपट हो गया कोई बात नहीं जिंदगी में ना कभी कभी पोपट भी होते रहना चाहिए बेटा कोई दिक्कत नहीं है पोपट होते रहना चाहिए क्योंकि जब क्लास में पोपट होगा तो पेपर में पोपट नहीं होगा क्योंकि अब पेपर में इसको याद रखोगे कि हाँ ऐसा होता है चलिए नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे चलते हैं वैसे ही गलती इलेवेंथ क्लास में होती ना सब बेसिक कंसेप्ट पढ़ते टाइम तो सही रहता अभी रिपीट में गलती हुई है तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है मतलब पढ़ाई लिखाई कम हो रही है परसेंटेज बाय वॉल्यूम बेटा जल्दी जल्दी करेंगे बिल्कुल परसेंटेज बाय मास जैसा है तो परसेंटेज इसको हम लिखेंगे वी बायस फॉर वॉल्यूम तो परसेंटेज वी बाय वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सेम फॉर्मूला अच्छा सेम बात आपको यहां पर भी ध्यान रखनी है कि अगर ये एम है तो नीचे भी एम ही होना चाहिए तो यूनिट्स मस्ट बी सेम जो आप ऊपर यूनिट रखेंगे वही यूनिट आप नीचे भी रखेंगे यूनिट मत बदल देना ठीक है तो ये हो गया परसेंटेज अच्छा एक और टर्म होता है एक और टर्म पे ध्यान देना एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और पता है ये ज्यादातर कब यूज किया जाता है वेट बाय वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम तब यूज किया जाता है वेन सॉल्यूट इज सॉलिड तो सॉलिड का हम मास निकाल लेते हैं है ना एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट कैसा है आपका लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्वेंट का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं और सॉलिड के वॉल्यूम पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते सॉलिड का हम निकालते हैं मास सॉलिड है सीधा वेइंग मशीन पे रखा मास निकाला ठीक तो इसलिए यूज किया जाता है वेट बाय वॉल्यूम तो इसको हम डिनोट करेंगे डब्ल्यू बाई वी कैसे करेंगे बेटा डब्ल्यू बाई वी और बच्चे इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है कि मास ऑफ सॉल्यूट ठीक है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई किससे कर दिया जाएगा हंड्रेड से ठीक एक बात ध्यान रखना यहां पे यूनिट यूनिट का खेल है भाई यहां पे ठीक है तो सॉल्यूट आपका होना चाहिए ग्राम में और वॉल्यूम आपका होना चाहिए एमएल में बिल्कुल सब बच्चे ध्यान देंगे इस बात पे कि ग्राम के साथ कौन सी यूनिट गई है एम गई है कि मास ग्राम में और वॉल्यूम किस में मिली में. ठीक क्लियर हुई क्या इतनी बात मान लू मैं आगे आपको मैम आप पंजाबी पंजाब पंजाब से हो? नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं मेरे को बिल्कुल भी पंजाबी नहीं आंदी ठीक है चलो तो ये हो गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम तो ये हम तीन टर्म सीख चुके हैं आगे बढ़ते हैं बेटा आगे बढ़ेंगे बच्चे मोल फ्रैक्शन अगला जो टर्म है दैट इज मोल फ्रैक्शन पहले ना तुम लोग मुझे इस बात का जवाब दो कि डू यू अंडरस्टैंड फ्रैक्शन फ्रैक्शन किसे कहा जाता है कि आप ये समझते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन फ्रैक्शन का आप जनरल मीनिंग समझते हो फ्रैक्शन शब्द का अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी क्लास में टेन गर्ल्स हैं और ट्वेंटी बॉयज है है ना तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स अगर क्लास में दस लड़कियां हैं टेन गर्ल्स हैं और ट्वेंटी हैं तो गर्ल्स का फ्रैक्शन कितना हुआ तो फ्रैक्शन आप ऐसे बोलोगे टेन बाय थर्टी ऐसे ही बोलोगे ना कि भाई टेन में टोटल थर्टी से डिवाइड कर दो बस इसी को फ्रैक्शन कहा जाता है दिस इज नोन एज फ्रैक्शन और यही हमें सोल्यूट और सोलवेंट के साथ करना है मतलब गर्ल्स को आप सॉल्यूट मान लेना और बॉयज को सॉल्वेंट मान लेना और फ्रैक्शन निकल जाएगा तो हाउ डू वी कैलकुलेट दी फ्रैक्शन ध्यान देना अगर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसका निकालना है बेटा सॉल्यूट का अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं क्या लिखूंगे मैं लिखूंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन या फिर आप सीधा फॉर्मूला लिख लो क्योंकि ये सब थियोरी तो आती नहीं नहीं of of है बोर्ड में कोई पूछता आपसे बेटा फ्रैक्शन ठीक है यहाँ हंड्रेड्रेड से मल्टीप्लाई नहीं होता यहाँ बस टेन बाय थर्टी किया था कि दस गर्ल्स है और टोटल स्टूडेंट थर्टी है टेन बाय थर्टी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम ना एक रूल बना रहे हैं सब लोग मेरे मेरी क्लास में वो रूल फॉलो करेंगे कि हम सॉल्यूट को लिखने वाले हैं ए बी से बी कर लेते हैं सॉल्यूट को हम बी से डिनोट करने वाले हैं सॉल्वेंट को हम ए से डिनोट करने वाले हैं अब सब ध्यान रखना बदलना मत ठीक है कि हम सॉल्यूट को बी लिखेंगे सॉल्वेंट को हम ए लिखेंगे ठीक है रूल है मोल फ्रैक्शन को बेटा डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स और अगर इस एक्स को पकड़ के थोड़ा सा टेढ़ा कर दोगे तो ज़ाई ज़ाई कहलाता है काई जाई कुछ ऐसा ही है हम तो एक्स से कर रहे ठीक है, है तो कैपिटल एक्स तो अगर सोल्यूट है तो मैंने लिखा एक्स बी तो बेटा एक्स बी इज इक्वल टू एन बी एन तो पता है ना मोल्स के लिए हम स्मॉल एन लिखते हैं अपॉन एन ए प्लस एन बी आया समझ में ए इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एन बी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट एन स्टैंड ऑफ सोल्यूट एन बी मोल्स और नीचे अपॉन में आ गए टोटल प्लस एन बी सोलवेंट के मोल्स प्लस सॉल्यूट के मोल्स क्लियर है अब बेटा इसी तरह अगर मुझे निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर मुझे निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बेटा ठीक है तो हम इसको x a लिखेंगे क्योंकि हम सॉल्वेंट को a कह रहे हैं एंड दिस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन ठीक है मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स

देखो यहां से से को, को रखोगे एन ए अपन एन ए प्लस एन बी फिर एक्स बी को रखोगे एन बी अपन एन ए प्लस एनबी आप इसको सम करके देखोगे ना तो यू विल गेट वन समझ आई कोई बात तो यहां से एक नोट लिखना फिर दस हजार का बीस हजार का नोट मान लो चलो इसको तो काम आएगा बहुत कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन

एम राइटिंग अ क्वेश्चन फोर्टी ग्राम्स एनएच इज डिजोल सेवन ट्वेंटी ग्राम्स ऑफ वॉटर टू मेक अ सल्यूशन चालीस ग्राम एन एच को डिजोल्व किया गया है सात सौ बीस ग्राम पानी में टू मेक अ सल्यूशन फाइंड मूल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट मैंने बोला कि मुझे दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप बता दो दोनों कंपोनेंट का मुझे मोल फ्रैक्शन जानना है ठीक है देखो बेटा सॉल्यूशन में ना दो चीजें हैं ध्यान देना ये सॉल्यूशन में ना दो चीजें हैं एक कंटेनर में पानी है और पानी कितना है 720 ग्राम है H2O जल जल है 720 ग्राम और दूसरा इसमें बेटा क्या मिलाया गया है 40 ग्राम एन मिलाया गया है तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले दोनों कंपोनेंट के मोल्स निकालने पड़ेंगे फ्रैक्शन तभी निकाल पाओगे जब आपको दोनों के मोल्स पता होंगे। और मोल्स निकालना सबने क्लास इलेवेंथ में सीखा है 40 ग्राम NaOH, एन एच इज सोल्यूट मैंने लिखा एन बीवेन मास इज फोर्टी NaOH का मोलर मास भी होता है फोर्टी गिवन मास 40 और NaOH का मोलर मास भी होता है 40 कितने लोगों को मोलर मास में उड़ गया कि दिमाग के ऊपर से चला गया सर के ऊपर से चला गया मोलर मास क्या मोलर मास बेटा n a सोडियम o फॉर ऑक्सीजन h फॉर हाइड्रोजन सोडियम का मास बच्चे 23 ऑक्सीजन का मास बेटा 16 और हाइड्रोजन का मास बेटा 1 इसको जोड़ लो आपको चालीस मिलेगा तो एनबी आ गया वन बेटा इसी तरह सॉल्वेंट के बता दो फटाफट पानी के पानी का सात सौ बीस और पानी का मास है 18। तो पानी के मोल्स कितने आ गए चालीस सही किया मैंने बहुत बढ़िया तो एक मोल है अपना एन एच का और चालीस मोल है अपने पानी के तो अगर मैं एक्स बी निकालू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालू इट विल बी अपॉन एन ए लोगों को मैंने वो लास्ट में लिख दिया है दिख रहा है ना पक्का चलो फिर बढ़िया एक्स एन ए अपॉन ए प्लस एन बी तो फोर्टी अपॉन फोर्टी प्लस क्लियर है fraction निकालना सीख निकल निकल जाएगा? निकल जाएगा? एक सवाल और कर दोगे क्या एक सवाल और कर दो अगर निकल जाएगा तो चालू आ जाओ सवाल इस बार मैंने परसेंटेज बाय मास से मोल फ्रैक्शन निकालना है तो थर्टी परसेंट वेट बाय वेट यूरिया सोल्यूशन और यूरिया सोल्यूशन भी कौन सा है एक्वस कभी भी लिखा हो एक्व सोल्यूशन तो उसका मतलब होता है पानी में एक्वा सोल्यूशन का मतलब होता है पानी तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो थर्टी परसेंट वेट बाई वेट एक्वस यूरिया सोल्यूशन है हमें मोल फ्रैक्शन बताना है यूरिया का हमें मोल फ्रैक्शन बताना है बेटा किसका यूरिया का फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया तो 30% वेट बाय वेट बेटा एक्वा सॉल्यूशन किसका है यूरिया का हमें मोल फ्रैक्शन यूरिया का बताना है हो जाएगा देखो 30% वेट बाय वेट का मतलब क्या है 30% वेट बाय वेट का मतलब होता है भाई आपकी अगर मान लो 33% पासिंग मार्क्स होते हैं और आपके 30 ही परसेंट आए केमिस्ट्री में नहीं केमिस्ट्री तो पढ़ोगे तो अच्छे आ जाएंगे आपके 30 आए। तो उस 30 का मतलब क्या, है? कि 100 में से 30, क्या मतलब ने यूरिया का फॉर्मूला नहीं याद किया <laughs> तो तीस परसेंट का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे सौ में से तीस नंबर आए हैं तो यहां पर भी तीस परसेंट का मतलब क्या हुआ कि 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है इन 100 ग्राम सोल्यूशन सबसे पहले मुझे इस बात का जवाब दो कि क्या तुम लोग ये लाइन समझते हो जो मैंने लिखी है थर्टी परसेंट वेट बाई वेट वाली लाइन समझते हो जो मैंने लिखी है कि 30 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सोल्यूशन है तो बेटा यूरिया तो 30 ग्राम हो गया है ना तो मुझे बताओ पानी कितना होगा टोटल सोल्यूशन सौ है एक्वा सोल्यूशन है मतलब पानी प्रेजेंट है टोटल सोल्यूशन हंड्रेड है जिसमें तीस ग्राम यूरिया है तो पानी कितना हो जाएगा सत्तर ग्राम हो जाएगा पानी आ गया ना समझ में अच्छा यूरिया का फॉर्मूला पूछ रहे थे चलो मैं बता देती हूँ एनएच टू सीओ एन एच टू लेकिन अब याद रखना बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लर्न दिस ठीक है एनएच टू सीओ एन एच टू मोलर मास बता दो यूरिया के मोल्स बता दो फटाफट अगर आप यूरिया के मोल्स निकालोगे गिवन मास तीस है एन एच टू सी ओ एन एच टू का मोलर मास निकालोगे साठ आएगा तो यूरिया के मोल्स हैं वन बाई टू कोई दिक्कत अब पानी कितना है पानी सत्तर ग्राम है सत्तर ग्राम पानी है तो पानी के मोल्स कितने हो जाएंगे सेवेंटी बाई एटीन गिवन 70 पानी का मोलर मास होता है एटीन ठीक है तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए यूरिया का तो इट विल बी मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ यूरिया एंड इट इज इक्वल टू वन बाय टू डिवाइड बाय सेवेंटी बाय एटीन प्लस वन बाय टू कैलकुलेशन हो जाएगी कैलकुलेशन की टेंशन नहीं ठीक है ठीके? ये हो गया कि अगर परसेंटेज बाय मास हो तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा चलो क्विकली मूविंग टू नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म विच इज मोलिटी सब लोग मेरे साथ दो बार बोलो मोलिटी बोलो मोलैरिटी मोलैरिटी बोला अब जब आपने मोलैरिटी बोला तो थोड़ा संधि विच्छेद करो आपको दो शब्द सुनाई दिए होंगे क्या सुनाई दिया मोलैरिटी बोलते टाइम मोलैरिटी बोला होगा तो मोल सुनाई दिया होगा और लीटर भी सुनाई दिया होगा बताओ मोलैरिटी अरे इसीलिए तो बुलवाया मैंने आपको मोलैरिटी कि मोलैरिटी जब बोल रहे हो तो आपको मोल सुनाई दे रहा है और आपको लीटर भी सुनाई दे रहा है तो मोलैरिटी यही होता है बस मोलैरिटी इज इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर सल्यूशन ठीक है मोलैरिटी में हमें दो चीजें सुनाई देती है मोल और लीटर तो हम शॉर्ट में मोलैरिटी को कह सकते हैं मोल्स पर लीटर क्या कह सकते हैं बेटा शॉर्ट में मोल्स मोल्स पर पर लीटर पर लीटर ऑफ ऑफ दिस इज बेटा करते हैं डिनोट करते हैं हम मोलैरिटी को कैपिटल एम से ध्यान रखना कैपिटल एम का मतलब मोलैरिटी फॉर्मूला लिख दू अगर मैंने कहा मोल्स पर लीटर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और वो किस यूनिट में चाहिए लीटर में चाहिए तो मोस्ट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इसे कहा जाता है मोलैरिटी जैसे ही मोलैरिटी सीख गए मोलैरिटी समझ में आ गया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है अबाउट मोलैरिटी दस हजार का नोट ध्यान से लिखना मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट िटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसेंट्रेशन टलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है मतलब 25 डिग्री पे मोलैरिटी कुछ और आ सकती है 100 डिग्री पे कुछ और आ सकती है 200 डिग्री पे कुछ और आ सकती है सेम सोल्यूशन की टेम्परेचर बदलोगे मोलैरिटी कैन चेंज मोलारिटी कैन चेंज विथ टेम्परेचर वॉट इज द रीजन क्यू क्यू क्योंकि बेटा मोलैरिटी में वॉल्यूम है और आपने एक शब्द सुना होगा एक्सपेंशन एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन वॉल्यूम बदल सकता है टेम्परेचर से दैट इज वाई मोलैरिटी बदल सकती है टेम्परेचर बदलने के साथ वॉल्यूम बदल सकता है और यही रीजन है कि मोलैरिटी बदल सकती है तो मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसेंट्रेशन टर्म इट कैन चेंज विथ टेम्परेचर क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है अगर कोई आपसे पूछता है क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड में मान लो एक नंबर में सवाल आ जाता है बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है मान लो वाय मोलैरिटी चेंजेस विथ टेम्परेचर आप क्या लिखोगे आप क्या इसका आंसर लिखोगे क्या बताया मैंने आपको मैंने आपको बताया कि मोलैरिटी में वॉल्यूम आ रहा है इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन एक्सक्यूज मी एंड वॉल्यूम चेंजेस विथ टेम्परेचर क्या लिखोगे वॉल्यूम चेंजेस विथ टेम्परेचर एंड दैट इज द रीजन मोलारिटी चेंजेस विथ टेम्परेचर आ गया समझ में ठीक है चलो तो मोलारिटी को हम डिनोट कर लेते हैं जरा कैपिटल एम इज इक्वल टू एन बाई वी लिख दूं अच्छा एक काम करूं वी लिख दू वी लिख दू एल का मतलब वॉल्यूम लीटर में ही रखना है एम में मत रखना एल इंडस फॉर वॉल्यूम इन लीटर ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हैं सब हुँ? कि इसको लीटर को अगर उधर ले जाए यहाँ पे वन होगा अगर कुछ नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो बेटा हमें दिखाई देता है कि एन इज इक्वल टू एम इन टू वी लीटर और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एम इंटू वी बहुत बार आपको ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी किल्यूट इज इक्वल टू एम इंटू वी मुलाटी वॉल्यूम तो ये दोनों बातें ध्यान रखो मोलैरिटी भी ध्यान रखो मोल्स भी ध्यान रखो और सवाल करो है ना खाली पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा थ्योरी पढ़ने से क्वेश्चन तो करना पड़ेगा चल लिखो <coughs>

ग्राम है और टोटल जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो फिफ्टीन हंड्रेड एम एल बना दिया गया है हमें मोलारिटी निकालनी है देखो क्या आप सोल्यूट बता पाओगे इसमें सोल्यूट का है सोल्यूट है एस टू फोर सोल्यूट क्या है एच टू फोर सोल्यूट के मोल्स कितने आएंगे बेटा एन बी गिवन मास कितना है बेटा फोर्टी नाइन और एच टू फोर का मोलर मास सबको पता है मुझे पता है H2SO4 का मोलर मास सबको पता है H2SO4 का मोलर मास होता है 98 मोल्स कितने हो गए 0.5 हो गए वॉल्यूम कितना दिया है 1500 ml दिया है लेकिन मैंने आपसे कहा कि वॉल्यूम मुझे लीटर में चाहिए क्योंकि मुझे मोलारिटी निकालनी है तो लीटर में कितना हो जाएगा 1.5 लीटर क्या हो गया उड़ गया नहीं आया समझ में कि मैंने 1500 ml को लीटर में कैसे बदला ml को लीटर में बदलने के लिए आपको थाउजेंड से डिवाइड करना है बस छोटा सा स्टेप है तो थाउजेंड से डिवाइड करोगे 1.5 लीटर तो बेटा मोलैरिटी कितनी मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर मोल्स कितने हैं 0.5 वॉल्यूम कितना है लीटर में 1.5 काटो 1/3 और 1/3 का मतलब होता है 0.33 अब लास्ट में देखना लास्ट में मैं यहाँ पे लिख रही हूं कैपिटल m ठीक है इस कैपिटल यूनिट ऑफ मोलारिटी और इसको मोलर बोला जाता है मोलर molar. कि मोलारिटी कोई पूछे कितनी आई तो आप कहोगे पॉइंट थ्री थ्री मोलर मोलर इज कैपिटल एम ठीक है अच्छा कहीं पर अगर लिखा हो स्टार लगा दिया मैंने कहीं पर लिखा है सेंटी मोलर तो मुझे फटाफट कमेंट्स में बता दो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटी मोलर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसी मोलर मोलर मतलब कितनी सेमी सेमीमोलर <coughs> मतलब कितनी मोलैरिटी होमवर्क है कमेंट्स में मुझे इसका जवाब चाहिए इस होमवर्क का कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेमी मोलर वॉट इज मीनिंग ऑफ डेसीमोलर व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंटीमोलर चलिए तो मोलैरिटी हमको समझ में आ चुका है एक कंसेंट्रेशन टर्म कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेंट्रेशन मोलैलिटी आ गया कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म बेटा एंड दिस इज मोलैलिटी पहले स्पेलिंग देख लो बाद में मत कहना कि ये पढ़ चुके हैं पहले ध्यान से स्पेलिंग देख देख लो देख लो स्पेलिंग मोलैलिटी वो था मोलैरिटी ये है मोलैलिटी थोड़ा सा डिफरेंस है हल्का सा अंतर है दोनों में मोलैलिटी इज अ डिफरेंट थिंग मोलैरिटी इज अ डिफरेंट थिंग इसको स्मॉल एम से डिनोट करेंगे एंड इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन ध्यान से देखना वन के जी अब यहां पे ना दो तीन चीजें बड़ी ध्यान रखने वाली है बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अभी तक हम सारी चीजें सोल्यूशन में देख रहे थे नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन टोटल मास ऑफ सोलूशन प्रेजेंट इन टोटल मोल्स ऑफ लेकिन अभी हमने क्या किया यहाँ पे हमने सॉल्वेंट कर दिया तो ये चीज अंडरलाइन कर लो याद रखना मोलालिटी की डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वन के जी स्मॉल एम से डिनोट करोगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन के जी ऑफ सॉल्वेंट बस ऐसे ही याद रखो कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं सिर्फ यही चीज आप याद रखोगे कि सोल्यूट के मोल्स पर के जी ऑफ सॉल्वेंट इज मोलैलिटी ठीक है क्वेश्चन करेंगे फटाफट क्वेश्चन hmm, ले लेते हैं कि एक कंटेनर में मैंने 200 सौ पानी ले लिया पानी का मतलब H2O ठीक है और इसमें मैंने 40 ग्राम एन मिला दिया और मुझे मोलालिटी पता करनी है और मुझे क्या पता करना है मोलालिटी पता करनी है मैंने 40 ग्राम एन मिलाया 200 सौ पानी है बेटा मुझे मोलालिटी पता करनी है तो मुझे ये तो पता है कि ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है सोल्यूट के मोल्स भी निकल जाएंगे 40 गिवन मास मोलर मास भी 40 होता है वन मोल सोल्यूट है लेकिन पानी का तो केजी चाहिए और एमएल गिवन है अब क्या करें क्वेश्चन छोड़ देते हैं लिख देते हैं डेटा इनसफिशिएंट लिख दे क्वेश्चन छोड़ के लिख दें डेटा डेटा इनसफिशिएंट नहीं ऐसा नहीं है वाटर का अगर वॉल्यूम दिया है ना तो वाटर का मास आपको खुद पता चल जाएगा क्योंकि आपको एक फार्मूला पता होगा कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी पता है क्या बेटा वॉल्यूम आपका दिया है 200 सौ और बेटा डेंसिटी पानी की आपको याद होनी चाहिए पानी की डेंसिटी होती है वॉल्यूम है एम ml बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वाटर का मास आ जाएगा 200 ग्राम बस आपको करना क्या है के जी में बदलना है के में बदल लो सब लोग पॉइंट टू हो जाएगा बस निकल गई मोलैलिटी Solute के मोल्स कितने हैं वन और के जी कितना है सॉल्वेंट का पॉइंट टू आ गया जवाब दिया था वेरी गुड वेरी गुड जवाब दिया था तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा मोलल स्मॉल एम लिख दिया करो स्मॉल एम का मतलब है कि आपने मोलालिटी निकाली ठीक है मोलालिटी भी डन हो गया चलो क्विकली मूविंग टू नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म विच इज नॉर्मैलिटी कौन सा टर्म है नॉर्मैलिटी ठीक है कैपिटल एन से डिनोट करते हैं मैं आपको कंपेयर करते हुए पढ़ाऊंगे ताकि आपको याद रहे मोलैरिटी पढ़ चुके हैं मोलैरिटी से कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले मोलैरिटी लिख दो एक साइड पे और ये बता दो मोलैरिटी क्या था मोलैरिटी था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर नॉर्मैलिटी बिल्कुल इसी के जैसा एक टर्म है फॉर्मूला उससे याद करोगे कंपेयर करोगे इजिली याद होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्वी ऑफ सल्यूट और ग्राम इक्वी आप चैप्टर नंबर वन में पढ़ चुके हो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास तो नंबर ऑफ ग्राम इक्वी ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर दिस इज नॉर्मैलिटी देख रहे हो फॉर्मूला कितना सिंपल है सिमिलर भी है मोलारिटी से बहुत सिमिलर है Molarity में में आता आता है में आता है है ग्राम बस इतना सा अंतर तो इसलिए मैंने दोनों फॉर्मूले आपको साथ साथ में लिख के दिखाए कि आप याद रखना moles, gram equivalence. Gram equivalence जिन बच्चों को याद नहीं है सिर्फ उनके लिए मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के दो तरीके एक तो मास अपॉन मोलर मास सॉरी मास या फिर मोल्स इनटू एन फैक्टर दोनों तरीके से आप नंबर ऑफ ग्राम निकाल सकते हैं तो दोनों तरीके से आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगी ठीक है बेटा एक रिलेशन भी याद रखना कि मैंने कहा कि मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर नॉर्मैलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्वीव ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम लीटर और मैंने यहां पे लिखा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर तो अगर मैं इसको लिख दूल्स मोल्स इनटू एन फैक्टर तो ध्यान से देखना ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर नॉर्मैलिटी ये बन जाएगी और बेटा इतने को हम क्या कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम को हम क्या कह रहे हैं हम इसको कह रहे हैं मोलैरिटी तो बेटा दिस इज अ रिलेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन नॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी का बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये कि नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इन टू एन फैक्टर ठीक है याद रहेगा चलो सारे कंसेंट्रेशन टर्म्स हमारे हो गए जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है अब एक सवाल करते हैं हम्म ठीक है एक सवाल लिखा है मैंने पी वाई क्यू का सवाल है पूछा जा चुका है पहले तो अच्छे से मेरे साथ में सब लोग करेंगे अ स्ट्रॉन्ग बैटरी कंटेन्सल्यूशन अ एस ऑफ एस फोर आपने इन्वर्टर वाली बैटरी देखी है उसमें एस फोर होता है अब उसमें थर्टी परसेंट बाई वेट एस फोर है कितना है थर्टी परसेंट बाई वेट एस फोर हमें मोलैलिटी भी निकालनी है हमें मोलैलिटी भी निकालनी है हमें नॉर्मैलिटी भी निकालनी है हमें मोल फ्रैक्शन भी निकालना है हो जाएगा क्या सवाल सॉल्व हो जाएगा चलो कोशिश करेंगे है ना कोशिश करते हैं कितना दिया हुआ है थर्टी परसेंट वेट बाय वेट एच टू एस ओ फोर सोल्यूशन तो इससे मुझे एक बात समझ में आई कि थर्टी ग्राम एच टू एस ओ फोर हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन सबको समझ में आया कि 30 ग्राम H2SO4 है 100 ग्राम सॉल्यूशन ठीक है पानी में होता है मतलब बैटरी जो होता है ना उसमें पानी में होता है आ, H2SO4 तो हम लिख सकते हैं कि 30 ग्राम H2SO4 है और पानी बता दो पानी कितना है वाटर कितना हो गया 70 ग्राम हो गया वाटर ठीक है दोनों के मोल्स निकाल लो फटाफट H2SO4 के मोल्स हो जाएंगे 30 upon 98 और पानी के मोल्स हो जाएंगे बेटा सेवेंटी बाई एटीन किसी ने कहा मैम फास्ट पढ़ाओ हमको जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है अगर लगे कि फास्ट हो रहा है तो मुझे बता देना ये बहुत आसान चीजें है हम पढ़ चुके हैं इनको अच्छे से कि थर्टी बाई नाइन्टी एट मोल्स हो गए एस टू एस ओ के और सेवेंटी बाई एटीन हो गए पानी के हमें क्या क्या निकालना है मोलैलिटी मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखिए सब लोग मोलैलिटी स्मॉल m मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन के ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा बेटा मोल सॉल्यूट के आपके सामने लिखे हुए हैं थर्टी बाई नाइन्टी एट बेटा पानी कितना के है सॉल्वेंट कितना के है सत्तर ग्राम है तो सत्तर बाई थाउजेंड कर दूं के लिखने के लिए बोलो सेवेंटी बाई थाउजेंड कर दूं के में आ जाएगा चलो बहुत बढ़िया दूसरी चीज निकालेंगे विच इज मोलैरिटी मोलैरिटी अब मोलैरिटी के लिए तो भाई वॉल्यूम चाहिए और वॉल्यूम के लिए डेंसिटी पता होनी चाहिए और क्वेश्चन आपके साथ है ना मजाक नहीं करेगा क्वेश्चन आपको डेंसिटी दी हुई है तो अगर मेरे पास टोटल सोल्यूशन का मास है और मेरे पास सल्यूशन की डेंसिटी भी है तो क्या सोल्यूशन का वॉल्यूम निकल जाएगा लिख के बताऊ देखो मेरे पास सल्यूशन का मास है और वो कितना है हंड्रेड ग्राम मेरे पास सोल्यूशन की डेंसिटी है और वो कितनी है 1.2 ग्राम पर एमएल सेंटीमीटर क्यूब एमएल एक ही बात है मेरे पास सॉल्यूशन का मास है मेरे पास सॉल्यूशन की डेंसिटी है तो क्या मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल सकता है बिल्कुल आप फार्मूला लगाइए मास बाय डेंसिटी आप फार्मूला लगाइए मास बाय डेंसिटी मास कितना है मास कितना है हंड्रेड डेंसिटी है वन पॉइंट टू वॉल्यूम मिल गया बेटा तो बेटा मोलारिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अभी जो मुझे वॉल्यूम मिला है वो एम में मिला है ठीक है इसको लीटर में बदलने के लिए थाउजेंड से डिवाइड करना होगा तो मोल्स कितने हैं बेटा थर्टी बाई नाइन्टी एट और वॉल्यूम को वहीं पर आप लोग थाउजेंड से डिवाइड कर लो लीटर में आ जाएगा तो ये हो जाएगा हंड्रेड अपॉन वन पॉइंट टू इन टू थाउजेंड कितना हो गया बेटा वन डिवाइड बाई ट्वेल्व लीटर ठीक है लीटर में निकाल लिया मैंने तो यहां पर लिख देना वन बाय ट्वेल्व और इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगी आपको मोलैरिटी भी मिल जाएगी क्लियर हुआ क्लियर हुआ क्लियर हुआ ये बात मोलारिटी कैसे निकाली हमने मास बाय डेंसिटी से हमें मिला वॉल्यूम और वो वॉल्यूम हमने चेंज किया लीटर में और फिर हमने वॉल्यूम रखा चलो बहुत बढ़िया अब हमें नेक्स्ट नेक्स्ट क्या निकालना है बेटा हमें निकालना है नॉर्मैलिटी और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया नॉर्मैलिटी निकालने का कि नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर एच टू एसओ फोर का एन फैक्टर कितना एच टू एस ओ फोर का एन फैक्टर है कितना H2SO4 का एन फैक्टर होता है दो सबको पता है एक बार फिर से सवाल पढ़ेंगे एक बार फिर से सवाल पढ़ेंगे सवाल कह रहा है स्टोरेज बैटरी ऑफ एस टू एसओ फोर थर्टी परसेंट बाई वेट अभी जो स्टोरेज बैटरी होती है बेटा इसको लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं और यहाँ पे तुम लोग को एक झटका लगने वाला तुरंत कि लेड स्टोरेज बैटरी में H2SO4 का फैक्टर नहीं होता 1 होता है और इस बात को आप नोट करके याद रखेंगे और क्यों वन होता है ये आपको पता चलेगा अगले लेक्चर में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है जो हम दो दिन बाद करने वाले हैं इसके बाद जो हम लेक्चर करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर उसमें आपको लेड स्टोरेज बैटरी में पढ़ाऊंगी और मैं आपको वही बताऊंगी कि क्यों लेड स्टोरेज बैटरी में H204 का एन फैक्टर होता है याद रखोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में दो दिन बाद इसको डिस्कस करेंगे चलो तो फैक्टर लेड स्टोरेज बैटरी एस्ट्रोसो फोर का वन होता है यही केसे जहाँ वन होता है वरना हमारे दिमाग में फीड है कि एस्ट्रोसो फोर का एन फैक्टर तो दो ही आएगा तो ये गलती नहीं होनी चाहिए तो बेटा यहाँ पे नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू सिंपली क्या निकालना है बेटा इस सवाल में नॉर्मैलिटी हो गई इसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालना है मोल फ्रैक्शन अब आप लोग ही लोगे मोल फ्रैक्शन अब इजीली हो जाएगा चौथा पार्ट देखो H2SO4 के तो हम मोल्स निकाल ही चुके हैं भाई H2SO4 के तो हम मोल्स निकाल ही चुके हैं थर्टी बाई नाइनटी एट अगर हम पानी के भी मोल्स निकाल लें सेवेंटी बाई एटीन पानी के मोल्स तो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 विल बी मोल्स ऑफ H2SO4 मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ H2SO4 तो ये कितना हो जाएगा थर्टी बाय नाइनटी एट अपॉन थर्टी बाय नाइंटी एट प्लस सेवेंटी बाई एटीन ये भी हो गया डन क्लियर तो मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स हमें समझ में आ गए एन एफ क्या होता है ये देखो एन फैक्टर क्या होता है पूरा एक लेक्चर लगाना पड़ेगा इसके लिए चलो ले लेंगे एक लेक्चर एन फैक्टर के लिए क्लियर है डन है चलो बेसिक कंसेप्ट उड़ा दिया तुम लोगों ने जैसे ये सवाल तुमने पूछा कि एन फैक्टर कैसे होता है क्या होता है बेसिक कंसेप्ट मतलब चैप्टर गायब है उड़ा हुआ चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है कोई नहीं पढ़ेंगे चलो तो ये हो गया अपना अब हम आ जाते हैं सीधा सोल्यूशन की तरफ और मैंने कहा था कि तीन सोल्यूशन पढ़ेंगे कंसनट्रेशन टर्म्स खत्म हो चुके हैं तीन सोल्यूशन पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड उसमें से बेटा पहला सोल्यूशन है गैस इन लिक्विड गैस इन लिक्विड सोल्यूशन में जो हमें पढ़ना होता है बेसिकली हमें डील करना होता है किससे हेनरीज लॉ से गैस इन लिक्विड सोल्यूशन पे हेनरीज़ लॉ लगता है लॉ तो लगा लेंगे पहले आप इमेजिन करने की कोशिश करो कोई गैस और लिक्विड का सोल्यूशन फर्स्ट ट्राई टू इमेजिन सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड गैस इन लिक्विड का मतलब गैस डिजॉल्व इन लिक्विड सोचो एग्जाम्पल पढ़ इमेजिन करो गैस इन लिक्विड सोडा, सोडा वाटर, कार्बोनेटेड बेवरेज कोल्ड ड्रिंक ये सारे गैस इन लिक्विड सोल्यूशन है राइट right? अब गैस इन लिक्विड सोल्यूशन कैसे बना होगा बेटा आपने गैस को लिक्विड में डिजोल्व किया होगा अब आप ये सोचो कि आप एक लिक्विड को रखो बर्तन में और आप चाहो उसमें गैस डिजोल्व हो जाए हो जाएगी क्या मैंने खुले बर्तन में एक लिक्विड रख दिया पानी रख दिया और मैं सोच रहा हूँ कि गैस को पकड़ के उसमें से डिजोल्व करा दूँ हो जाएगी क्या इतना आसान नहीं है गैस को डिजोल्व कराना किसमें लिक्विड में, में क्योंकि गैस उड़ जाएगी आप डिजोल्व कराओगे गैस उड़ जाएगी तो होता क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड बाय सेवरल फैक्टर्स फैक्टर्स बहुत सारे हैं ठीक है जिसमें से नेचर ऑफ गैस ऐसा नहीं है कि हर गैस हर लिक्विड में डिजोल्व हो जाएगी कुछ पर्टिकुलर गैसेस कुछ पर्टिकुलर लिक्विड में ही डिजोल्व होती हैं तो नेचर ऑफ गैस और द लिक्विड इंपॉर्टेंट है तो किस पे डिपेंड कर रही है सोलिबिलिटी किसी गैस की लिक्विड में फैक्टर्स अफेक्टिंग अगर मैं लिखूं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में ध्यान देना सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में बिल्कुल ध्यान से देखना गैस की सोलिबिलिटी लिक्विड में किस फैक्टर पर डिपेंड करती है तो आप लिखोगे सबसे पहला फैक्टर नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ लिक्विड ऐसा नहीं होता कि किसी भी लिक्विड में कोई सी भी गैस डिजोल्व हो जाती है कुछ पर्टिकुलर गैसेस कुछ पर्टिकुलर लिक्विड में ही डिजॉल्व होती हैं तो नेचर इंपॉर्टेंट है नेचर के अलावा बेटा इट डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर एंड प्रेशर इट डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर एंड प्रेशर मैंने कहा था कि गैस इन लिक्विड का कोई सोल्यूशन इमेजिन कर लो तुम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक इमेजिन किया ये बताओ कोल्ड ड्रिंक को ठंडा ही क्यों रखा जाता है टेम्परेचर का कोई तो रोल है और ड्रिंक खोल के भी नहीं रखा जाता क्योंकि प्रेशर का रोल है कोल्ड ड्रिंक कैन को, ड्रिंक भर के सील कर देते हैं कि खुलना नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है तो और दो कौन से फैक्टर है बेटा प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बेटा और दूसरा टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है तो क्या ये तीनों आप लिख लोगे आपका एक सवाल बन जाएगा बोर्ड का एक शॉर्ट आंसर आप लिख सकते हो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिपेंड कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में नेचर प्रेशर एंड टेम्परेचर क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं तो बेटा एक लॉ है हेनरीज लॉ ये बताता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अब द लिक्विड मैं कंप्लीट करती हूँ लाइन को above the लिक्विड सरफेस ठीक है कौन सी गैस लिक्विड में कितनी डिजोल्व होगी ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि इस लिक्विड सरफेस के ऊपर इस गैस का प्रेशर कितना है व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस अब द लिक्विड सरफेस उसी से पता चलेगा कि कितना डिजोल्व होगा ठीक है तो प्रेशर पे डिपेंड करता है और डिपेंडेंसी ऑफ द प्रेशर इज स्टेटेड बाई हेनरीज लॉ हेनरीज लॉ आपको यही बताएगा कि प्रेशर पर कैसे डिपेंड करता है तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइन को आप लोग याद करेंगे यही हेनरीज लॉ है अगर थ्योरी लिखने आती है कि वॉट इज हेनरीज लॉ तो हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अब द लिक्विड सर्फेस ठीक इसका एक उल्टा लॉ भी ट्रू है आप ये भी कह सकते हो हेनरीज लॉ में कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी मतलब बाई से वर्षा लॉ है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बाईस वर्षा है सोलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोशनल टू सॉलिबिलिटी अगर मैं इस वाली स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखूँ तो आई विल राइट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी सोलिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सॉलिबिलिटी को मैंने किसके टर्म्स में लिखा है बताएगा कोई कैपिटल एक्स क्या डिनोट करता है मोलरिटी मोलैलिटी नॉर्मोलिटी मोल फ्रैक्शन क्या सोलिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन बेटा किस टर्म में हम सोलिबिलिटी ले रहे हैं बेटा मोल फ्रैक्शन के टर्म में ले रहे हैं अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो इक्वल टू लगाना होगा यहाँ एक कॉन्स्टेंट लगाया जाएगा केच एच के एच इज के तो जनरली कॉन्स्टेंट के लिए यूज ही होता है यहाँ पे एच लगाने का मतलब है हेनरीज कांस्टेंट इसे कहते हैं या हेनरीज़ कांस्टेंट भी आप कह सकते हो एच स्टैंड फॉर हेनरी ठीक है ठीक बेटा ये जो कांस्टेंट होता है ना ये कांस्टेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है एक तो नेचर ऑफ गैस पे क्योंकि हर गैस के लिए कांस्टेंट की वैल्यू अलग है नाइट्रोजन के लिए अलग है ऑक्सीजन के लिए अलग है सीओ के लिए अलग है तो एक तो नेचर ऑफ गैस पे ये कांस्टेंट डिपेंड करता है एंड दूसरी ये कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे क्योंकि टेम्परेचर बदलने से भी के बदलता है तो ये बात ध्यान रखना छोटा सा सवाल आ सकता है बोर्ड में कि हेनरी कॉन्स्टेंट डिपेंड्स अपॉन वॉट फैक्टर्स तो आप लिखोगे नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है आप एग्जाम्पल भी लिखना कि इट इज डिफरेंट फॉर ऑक्सीजन गैस इट इज डिफरेंट फॉर नाइट्रोजन गैस फिर आप दूसरा लिखना टेम्परेचर और इसको एक्सप्लेन करते हुए लिखना कि फॉर द नाइट्रोजन गैस के एच में ना लिखने का तरीका होता है मैं सब पढ़ा रही हूं आपको मैं आपको यह भी बता रही हूं क्वेश्चन लिखना कैसे है इसके अलावा आपको मैं एक वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी उस वर्कशीट पे मैंने आपको सोल्यूशन इसीलिए लिख के दी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है सोल्यूशन लिखा है ताकि आपको यह समझ में आए कि लिखना कैसे है बोर्ड में है ना सारी समस्या का समाधान हो जाएगा लिखना कैसे है आंसर को पूरा वर्कशीट सॉल्व कर लेना तो कैसे लिखना है कि नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है के एच क्या हो गया constant हो गया, एक्स क्या हो गया बेटा मोल फ्रैक्शन हो गया गैस का पी क्या हो गया बेटा पार्शियल प्रेशर हो गया तो व्हाट इज पी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के एच हो गया बेटा कॉन्स्टेंट वट इज एक्स एक्स हो गया बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन का ना आपने अभी अभी क्या पढ़ा है फॉर्मूला पढ़ा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को आप ऐसे लिख सकते हो एन गैस अपॉन एन गैस प्लस एन लिक्विड है ना गैस के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन को लिख सकते हो एन गैस अपॉन एन गैस प्लस एन लिक्विड गैस के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स क्लियर है ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है याद रखेंगे इसको हेनरीज लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट है इससे पहले भी एक स्टेटमेंट था ये जो मैंने आपको मार्क कराया था ये भी हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट है कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है गैस की कौन कौन से फैक्टर हैं पे हैंनरीज कांस्टेंट डिपेंड करता है बहुत सारे सवाल हो गए अभी तक इसमें से इतने कंटेंट से बहुत सवाल आपके आंसर हो पाएंगे ठीक है एक एप्लीकेशन देख लेते हैं हैंज लॉ पढ़ लिया हैनरीज लॉ ने बोला कि जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा उतना गैस डिजोल्व होगी थोड़ा सा समझते हैं इसको ठीक ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने आपको लिख के दिया है फॉर बोर्ड इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड के लिए एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्री कार्बोनेटेड बेवरेजेस की इंडस्ट्री हेनरीज लॉ पे डिपेंड कर रही है एंड एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना एज वेल ठीक है अब <coughs> देखो बायोलॉजिकल फिनोमिना से चालू करते हैं आपने कभी लोगों को ऐसे बोलते सुना है कि पहाड़ों पे ऑक्सीजन कम हो जाती है सुना है ब्रेक अभी इतनी जल्दी थक गए टाइम क्या हो गया एक ही घंटा हुआ है बेटा अभी से अभी से थक गए तुम तो लोग सुना है कि पहाड़ों पे ऑक्सीजन कम हो जाती है ऐसा सुना है अब मुझे एक जवाब दो दिल्ली में ऑक्सीजन कम है तो समझ आता है पोल्यूशन बहुत ज्यादा है पहाड़ों पर तो ऑक्सीजन बढ़ जाना चाहिए वहां कैसे कम हो जाएगा वहां तो पॉल्यूशन भी इतना कम है तो प्रॉब्लम ऑक्सीजन कम नहीं हो जाती प्रॉब्लम है प्रेशर कम हो जाता है क्या कम हो जाता है जब जब हम हाइट पे जाते हैं प्रेशर कम हो जाता है और अगर प्रेशर कम होगा सराउंडिंग का तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा और बेटा यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको हेनरीज लॉ ने क्या बोला है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अगर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया ठीक है तो वो आपके ब्लड में डिजोल्व कम होगी सीधी सी बात इतनी है तो ऑक्सीजन कम नहीं होती ऐसे बोल देते हैं कि ऑक्सीजन कम हो गई नहीं प्रेशर कम हो गया प्रेशर कम तो ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी ब्लड में घटी जिसकी वजह से थोड़ी सी ब्रीदिंग डिफिकल्टी आने लगती है तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है इन लंग्स वेयर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर विद हाई पार्शियल प्रेशर हीमोग्लोबिन कम्बाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो जब आप हाइट पे जाते हो पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस कम हो जाता है और उसकी वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी आती है क्योंकि अगर प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी भी ब्लड में कम हो जाएगी क्या ये बात समझ में आया दिस इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ दूसरा एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे कि टू इंक्रीज दी कल ऑफ सी इन सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर आपको गैस ज़्यादा डिजोल्व करनी है सॉफ्ट ड्रिंक में क्योंकि आपने सुना होगा लोग कहते हैं गैस का ही मज़ा है एक बार गैस निकल जाएगी तो फिर कोल्ड ड्रिंक पीने में मज़ा नहीं आएगा कोल्ड ड्रिंक मीठी हो जाती है गैस निकल जाती है बेसिकली ना गैस का टेस्ट आता है तो सीओ टू इन सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर बेटा बॉटल की जब सीलिंग होती है तो बहुत हाई प्रेशर पे होती है हाई प्रेशर में गैस को डिजोल्व किया बॉटल को सील किया क्योंकि जितना प्रेशर रखोगे उतना ज़्यादा गैस डिजोल्व होगी टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट कंपिंग The dip, uh, decompression ऑफ डीप स्कूबा डाइवर्स बहुत खतरनाक अंग्रेजी लिखी हुई है मैं आसान भाषा में समझा रही हूँ स्कूबा डाइवर्स समझते हो अंदर डाइव मारने जाते हैं स्कूबा डाइवर्स जाते हैं तो वो एक सिलेंडर कैरी करते हैं उस सिलेंडर में ना एयर नहीं होता प्योर ठीक है उस सिलेंडर में क्या होता है ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विद हीलियम गैस ऑक्सीजन का डाइल्यूट कर देते हैं हीलियम गैस के साथ मतलब सिलेंडर में ना हीलियम भरते हैं एयर के साथ इससे क्या होता है कि अगर आपने प्योर एयर उनको दे दी तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एयर में दो चीजें हैं सेवेंटी नाइन परसेंट नाइट्रोजन है ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन है सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन है ऑक्सीजन भी डिजॉल्व होगी नीचे जाके क्योंकि पानी के अंदर बेटा प्रेशर बहुत ज्यादा है पानी के अंदर आप समझो कि हवा का प्रेशर और वाटर कॉलम का प्रेशर फिजिक्स पढ़ते हो प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होगा नाइट्रोजन भी डिसॉल्व होगा ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाए कोई दिक्कत नहीं है नाइट्रोजन ज्यादा डिसॉल्व हो गया दिक्कत है बस उसी पेन को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं हम उसमें हीलियम मिला देते हैं ताकि नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या हो जाए कम हो जाए और हीलियम क्या लेस सॉल्यूबल है तो हीलियम हमें इतना तकलीफ नहीं देगा क्लियर हुआ हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन <coughs> हो गया क्लियर हो गया पक्का मेरा पानी भी खत्म हो गया हेनरी के साथ साथ हम्म नाइट्रोजन के बबल बनने लगते हैं ब्लड में अगर नाइट्रोजन ज्यादा डिजोल्व हो जाए सही बोल रहे हो एकदम वेरी गुड ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हेनरीज लॉ का हेनरीज लॉ हमने पढ़ लिया हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन भी पढ़ लिया एक सवाल कर लेते हैं देखो इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वाटर एट टू नाइंटी थ्री कैलविन ये टेम्परेचर दिया हुआ है कि अगर नाइट्रोजन गैस को बबल किया जाए पानी में टू नाइंटी थ्री कैलविन में हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ गैस वुड डिजोल्व इन वन लीटर वाटर एक लीटर पानी में कितने गैस के मिलीमोल्स डिजोल्व होंगे अज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट्स आ पार्शियल प्रेशर ऑफ पॉइंट नाइन एट सेवन बार नाइट्रोजन का बेटा पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है पॉइंट नाइन एट सेवन बार तो सबसे पहले तो मुझे पी मिल गया तो मैं पी लिख देती हूँ नाइट्रोजन का पी कितना है प्रेशर कितना है पॉइंट नाइन एट सेवन बार ठीक है गिवन दैट हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट के भी मिल गया बेटा नरीज लॉ कॉन्स्टेंट फॉर नाइट्रोजन एट टू नाइन थ्री कैलवीन सेवेंटी सिक्स पॉइंट फोर एट के बार देखो थोड़ा सा अंतर है यूनिट को देखना वहां था प्रेशर था बार में और के एच है किस में किलो बार में तो बेटा दोनों को सेम करना होगा तो ध्यान दो किलो बार को हम बार में बदलेंगे थाउजेंड से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई है ना किलो बार को हम बार में बदलेंगे तो ये हो गया मेरा वो पी एन टू और मेरे पास फॉर्मूला क्या है है कि P is equal to KH into X. तो बेटा बेटी निकल, निकल, निकल जाएगी पॉइंट नाइन एट सेवन इज इक्वल टू सेवेंटी सिक्स पॉइंट फोर एट इंटू टेन टू दावर थ्री इंटू एक्स कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स विल बी इक्वल टू पॉइंट नाइन एट सेवन डिवाइड बाई सेवेंटी सिक्स पॉइंट फोर एट इन टू टेन टू पावर थ्री तो मुझे सॉल्व करके बताओ कि कितना आ रहा है देखो टेन टू पावर थ्री तो ऊपर चला जाएगा टेन टू पावर माइनस थ्री हो जाएगा और पॉइंट नाइन एट सेवन को आपको डिवाइड करना होगा सेवेंटी सिक्स पॉइंट फोर एट से कर लोगे करके बताओ मुझे डिवाइड करके बताओ आई एम वेटिंग मैथमेटिक्स करो थोड़ा सा बेटा सारे बच्चे मैथमेटिक्स करिए थोड़ा सा आपको पॉइंट नाइन एट सेवन को डिवाइड करना है बेटा सेवेंटी सिक्स पॉइंट फोर एट से अच्छा एक काम करो ना अप्रोक्सीमेट मान के सेवेंटी सिक्स पॉइंट फाइव मान लो और तब कर दो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मतलब डिवाइड करोगे तो आएगा .0129 है ना इतना ही आ रहा होगा हाँ सही बता रहे हो 129 .0129 इनटू 10 टू दी पावर माइनस थ्री हो जाएगा 10 टू दी पावर थ्री था ऊपर जाके माइनस थ्री मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1.29 इनटू 10 टू दी पावर माइनस फाइव ये आ गई सॉल्युबिलिटी छोटी वैल्यू है बड़ी वैल्यू है कैसी वैल्यू है ये सॉलिबिलिटी की टेन टू दी पावर माइनस फाइव का मतलब वेरी स्मॉल वैल्यू मतलब इतने टेम्परेचर पे जो नाइट्रोजन गैस डिजोल्व हो रही है ना इतने कम प्रेशर पे वो बहुत कम हो रही है वेरी स्मॉल वैल्यू मतलब सॉलिबिलिटी इज़ वेरी लेस नाइट्रोजन की सॉलिबिलिटी बहुत कम है और एक्स को हम कैसे लिखते हैं एक्स को हम लिखते हैं एन गैस अपॉन एन गैस प्लस एन लिक्विड ऐसे तो लिखते हो मोल फ्रैक्शन को गैस के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स अब बेटा एक बात देखो मैंने कहा सॉलिबिलिटी बहुत कम है सॉलिबिलिटी इज वेरी लेस अगर सॉलिबिलिटी बहुत कम है मतलब ढेर सारे लिक्विड में इतू सी गैस प्रेजेंट है थोड़ी सी गैस प्रेजेंट है तो क्या मैं नीचे यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर दूँ डिनोमिनेटर में से लिक्विड प्लस गैस में से गैस को नेग्लेक्ट कर दूं क्योंकि लिक्विड बहुत ज्यादा है और गैस बहुत कम है तो बेटा इसको लिखा जा सकता है एन गैस अपॉन एन लिक्विड मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वन पॉइंट टू नाइन इंटू टेन टू दी पावर माइनस फाइव क्या ये बात समझ में आई अब आप बोलोगे लिक्विड के मोल्स कितने हैं एक लीटर पानी है और तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ एक लीटर पानी में कितने मोल्स एक लीटर पानी का मतलब थाउजेंड एम एल वॉटर और थाउजेंड एम एल वाटर का मतलब होता है थाउजेंड ग्राम वाटर और थाउजेंड ग्राम वाटर में जो मोल्स होंगे पानी के इट विल बी थाउजेंड बाय एटीन बेटा यहाँ पे पानी के मोल्स को पुट कर दो गैस के मोल्स आपको पता चल जाएंगे वही हमें ढूंढना है हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस गैस के मिली मोल्स हमें ढूंढना है मोल्स मिल गए थाउजेंड का मल्टीप्लाई करेंगे मिलीमोल्स मिल जाएगा ठीक है कहीं जगह है सॉल्व करने के लिए अगले पेज पे करते हैं चलो हमारे पास आ गया मोल्स ऑफ गैस पानी के मोल्स आ गए थाउजेंड बाई एटीन दिस इज इक्वल टू वन पॉइंट टू नाइन इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव यहां तक किसी को कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई दिक्कत अच्छा थाउजेंड बाई एटीन का फॉर्म वो भी बता रहे हो फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव वेरी गुड

और अगर क्वेश्चन ने बोला है कि मोल्स नहीं मिलीमोल्स बताओ तो हम मिलीमोल्स ही बताएंगे अगर क्वेश्चन कह रहे हैं आजकल तुम लोगों ने देखा है वो दूध देंगे क्या खीर मांगोगे खीर देंगे तो मिलीमोल्स मांगोगे तो मिलीमोल्स ही देंगे हम हाँ तो बेटा मिलीमोल्स के लिए आपको बस इतना सा करना है ऐसा मत कर देना कि मिलीमोल्स मांगोगे तो मोल्स दे देंगे ये मत करना मिलीमोल्स मांगोगे मिलीमोल्स ही देंगे तो 55.5 में मल्टीप्लाई किसका कर दोगे हजार से मल्टीप्लाई कर दो आपके मोल्स किस में बदल जाएंगे मिलीमोल्स में बदल जाएंगे ठीक है क्लियर हो गया ये सवाल समझ में आ गया आपको चलो बहुत बढ़िया दिस इज आंसर मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर निकल जाएगा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में सवाल गिवन है जो मैंने आपको कराया है तो ट्वेल्थ बोर्ड के लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीआरटी में सीधा सवाल गिवन है किसी तरह का ऑल right, चलिए आगे बढ़ते हैं हेनरीज लॉ समझ में आ गया क्वेश्चन भी समझ में आ गया और दुनिया का दस्तूर है हर लॉ का कुछ ना कुछ एंड में क्या निकल के आ जाता है लिमिटेशन निकल के आ जाता है हर मॉडल का कुछ ना कुछ एंड में क्या निकल के आ जाता है लिमिटेशन निकल के आ जाता है तो हेनरीज लॉ का भी कुछ लिमिटेशन है क्या लिमिटेशन है इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा बोर्ड के लिए सीधा सवाल पूछा जाएगा आर द लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ या फिर स्टेट थ्री लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ राइट फोर लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ क्या लिखेंगे आप गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट गैस और सॉल्वेंट की आपस में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए मिक्सचर बनना चाहिए रिएक्शन नहीं गैस शुड नॉट ट और डिसोसिएट इन सोल्यूशन ऐसा ना हो कि गैस असोसिएट हो जाए सोल्यूशन में या डिसोसिएट हो जाए टूट जाए या कुछ कॉम्प्लेक्स बना दे ये भी नहीं होना चाहिए दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाईली कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन केवल डाइल्यूट सोल्यूशन पे लगता है बहुत कंसेंट्रेशन लगाओगे तो लॉ फेल हो जाएगा बहुत हाई कंसेंट्रेशन में गैस डिजोल्व करोगे लॉ फेल हो जाएगा तो दीज आर द दिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ तो बेटा हमने एक पोर्शन कवर कर लिया है गैस इन लिक्विड सोल्यूशन हमारा डन हो गया लेकिन हाँ एक बात और एक इम्पॉर्टेंट बात और बताऊंगी मैं आपको गैस इन लिक्विड सोल्यूशन में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इसको और देखना क्या लिखा मैंने इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड गैस को जब लिक्विड में रिजॉल्व करोगे तो टेंपरेचर का क्या इफेक्ट होता है बेटा जब गैस को आप लिक्विड में रिजॉल्व करते हो तो गैस का सॉल्यूशन बनता है और साथ में ना हीट रिलीज होती है क्या बताया मैंने आपको कि हीट रिलीज होती है और यहाँ पे जरा डबल एरो लगा लेंगे क्योंकि गैस अगर डिजोल्व हो सकती है तो गैस बाहर भी निकल सकती है कोल्ड ड्रिंक को किसी ने गर्म करके देखा है ये फालतू वाले एक्सपेरिमेंट किए हैं कभी किसी ने कि कोल्ड ड्रिंक को उठा के गैस पे रख दिया वो बर्नर पे रख दिया कोल्ड ड्रिंक गर्म हो रही है अगर कोल्ड ड्रिंक गर्म होगी तो गैस बाहर निकल जाएगी बहुत सीधा सा ऑब्जर्वेशन है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे अगर आप उसको हीट दोगे तो गैस उड़ जाएगी गैस बाहर निकल जाएगी ठीक है तो कोल्ड ड्रिंक को अगर आपने गर्म किया हीट दिया तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी क्योंकि रिएक्शन क्या है एक्सोथर्मिक है और आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बैकवर्ड रिएक्शन होने लगती है मतलब गैस बाहर निकलने लगेगी तो बिल्कुल ध्यान से याद रखना सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज हो जाएगी एंड दिस इज द रीजन यही रीजन है कि कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं उनको कैसा रखा जाता है आर कैप्ट शिल्ड कैसा रखा जाता है ठंडा जितने भी ड्रिंक्स में गैस मिली होती है उनको कैसा रखा जाता है ठंडा क्योंकि तो गर्म करोगे तो गैस की सोलिबिलिटी कम हो जाएगी क्लियर है ये बात इतनी बात आपको समझ में आ गई चलिए अगला हम पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन बेटा क्या पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन और लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड हर लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर लिक्विड एंड लिक्विड सोल्यूशन पूरा वेपर प्रेशर से रिलेटेड है तो आपको पहले वेपर प्रेशर समझना पड़ेगा ठीक है अब देखो क्या होता है वेपर प्रेशर द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट द इक्लिब्रम एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कुछ समझ आया कुछ नहीं आया मैम कुछ नहीं आया थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको देखो अगर मैं एक कंटेनर में बंद कंटेनर में बंद डब्बे में यहां तक मैंने लिक्विड भर दिया पूरा नहीं भरा आधा लिक्विड भर दिया आपको पता लिक्विड में एक प्रॉपर्टी होती है इवोरेशन इस लिक्विड को पानी मान लो ना भाई सबसे ज्यादा आपने कौन सा लिक्विड जिंदगी में देखा है पानी तो पानी मान के समझेंगे मान लो ये वाटर भरा हुआ है आपको पता है वाटर इवॉपोरेट करता है इतनी बात सबको पता है सबने पढ़ी है बचपन में कि अगर वाटर है तो इपोरेट करेगा बेटा यहाँ ना वाटर का इवॉपोरेशन चालू होगा जब वाटर का इवॉपोरेशन चालू होगा तो वाटर के कुछ वेपर्स बनेंगे वाटर के कुछ वेपर्स बनेंगी ऊपर ठीक है यही होगा इवॉपोरेशन होगा वेपर्स बनेंगी फिर क्या होता है थोड़े टाइम बाद ये वेपर्स ऊपर सरफेस से टकराती है ये वेपर्स ऊपर सरफेस से टकराती है और ये वापस से क्या होती है कंडेंस होती है क्या ये प्रोसेस पता है आप लोगों को कि अगर इवपोरेशन होगा तो बेटा कंडेंसेशन भी होगा वेपर्स सरफेस से टकरा के कंडेंस भी होंगी कंडेंसेशन भी चलेगा इवपोरेशन भी चलेगा थोड़े ही देर के लिए इस डब्बे को अकेला छोड़ दो एक टाइम ऐसा आएगा कि रेट ऑफ इवोपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगी जितने मॉलिक्यूल इवोपोरेट होंगे उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस भी होंगे रेट ऑफ इवॉपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन लिख दो यहां पर आफ्टर सम टाइम एक इक्लिब्रम आ जाता है बेटा क्योंकि आपने पढ़ा ही है कि हर प्रोसेस में इक्लिब्रम आता है हर रिवर्सिबल प्रोसेस में और इक्लिब्रम पे क्या होगा रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ मॉलिक्यूल बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेशन ऑफ वेपर जितने वाटर के मॉलिक्यूल इवापोरेट होंगे उतने ही कंडेंस भी होने लगेंगे है ना ये रिएक्शन क्या अगर मैं इसको रिएक्शन की तरह लिख के दिखाऊं तो हो क्या रहे कि एच टू ओ जो है लिक्विड वो एच टू ओ वेपर में कन्वर्ट हो रहा है गैस में कन्वर्ट हो रहा है थोड़ी देर बाद एक आएगा। जितने मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल वापस भी आएंगे। क्लियर है तो क्योंकि तीन मॉलिक्यूल उड़े तीन ही वापस आ गए तो नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल फिक्स हो जाएगा तो उस कंडीशन पर इक्लीब्रम पे हम क्या करेंगे द प्रेशर एग्जर्टेड वेपर मॉलिक्यूल्स ओवर सरफेस इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर ऊपर प्रेजेंट वेपर मॉलिक्यूल कितना प्रेशर लगा रहे हैं वही वेपर प्रेशर है आ गया समझ में अभी क्लियर है एक बार इक्लिब्रम आ जाने दो उसके बाद यहाँ पे बैरोमीटर लगा लो बैरोमीटर एक डिवाइस होती है जिससे प्रेशर मेजर करते हैं एक बार इक्लिब्रम आ जाने दो फिर बैरोमीटर लगा दो प्रेशर निकाल लो कि वेपर्स का प्रेशर कितना है बस वही क्या कहलाता है वही कहलाता है वेपर प्रेशर क्लियर है बात चलो बहुत बढ़िया एक इंपॉर्टेंट बात लिख लेना इसके बाद एक सेकेंड हम्म एक इम्पॉर्टेंट बात ये मत बोलना मैम आप हर बात को इम्पोर्टेंट बात बताते हो नहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट <coughs> वेपर प्रेशर को हम बीपी कहेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी जो आगे आने वाला है वो इम्पोर्टेंट है डिपेंड्स अपॉन दो बातों पे केवल केवल दो बातों पे डिपेंड करता है जिसमें पहली बात है नेचर ऑफ लिक्विड हर लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग है बेटा पानी का कुछ और है एल्कोहल का वेपर प्रेशर कुछ और है बेंजीन का वेपर प्रेशर कुछ डिफरेंट है टॉलविन का कुछ डिफरेंट है हर लिक्विड का वेपर प्रेशर डिफरेंट होता है क्योंकि आपने देखा होगा पेट्रोल बहुत जल्दी उड़ जाता है पेट्रोल की वेपर्स बहुत जल्दी बनती है पेट्रोल का प्रेशर बहुत हाई है बहुत

इसके अलावा वेपर प्रेशर किसी भी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता आप लोग ये बात याद रखना ठीक है अब कैसे नेचर पर डिपेंड करता और कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता दोनों समझ लो बोर्ड में अगर डिटेल में आ गया तो लिखना पड़ेगा देखो मोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अगर इंटर मोलिकुलर फोर्सेज ज्यादा हुई तो लेस वेपर प्रेशर होगा अगर मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज्यादा फोर्सेस से जुड़े हुए हैं अगर मॉलिक्यूल आपस में यहाँ पर बहुत ज्यादा फोर्सेस से जुड़े हुए हैं तो बेटा वेपर प्रेशर बहुत कम होगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल उड़ ही नहीं पाएगा पड़ोसी उसको उड़ने ही नहीं देगा पड़ोसी उसको रोक लेगा इधर से भी पकड़ा हुआ है इधर से भी पकड़ा हुआ है तो जितनी ज्यादा इंटर मोलिकुलर फोर्सेज होंगी वेपर क्या होता है तुम लोगों को क्या लगता है टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, वेपर प्रेशर बढ़ना चाहिए? कम होना चाहिए बिल्कुल सही लगता है। टू अगर बेटा नहीं उड़ने पा रहा है तो नीचे से आग लगा दो ना हीट दे दो थोड़ा सा जब हीट दोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वेपर बनेगा ऊपर जाएगा तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर दोनों फैक्टर समझ में आ गए नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है पक्का चलिए अब किस पे डिपेंड नहीं करता है, वो समझ लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड कितना लिक्विड आप ले रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा शेप ऑफ कंटेनर कितना बड़ा कंटेनर है उस पर डिपेंड नहीं करेगा ठीक है क्या शेप है क्या साइज है कंटेनर का बेटा कंटेनर का क्या शेप है क्या साइज है इस पर डिपेंड नहीं करेगा ठीक है केवल नेचर और टेम्परेचर चलो आगे बढ़ते हैं प्रेशर हमें समझ में आ गया तो प्रेशर मैंने क्यों पढ़ाया क्योंकि अब हमें लॉ समझना है ठीक है राउल किस पे लगता है लिक्विड लिक्विड के सोल्यूशन पे लगता है तो पहले ना मैं दो लिक्विड ले लेता <coughs> मान लेते हैं पानी भी खत्म हो गया मेरे पास और तुम लोगों को ब्रेक चाहिए बट ब्रेक नहीं क्योंकि हम ना वन शॉट में लेक्चर निपटा लेंगे फिर आराम से रात को ब्रेक ही ब्रेक लेना सो जाना मान लेते हैं ये है प्योर लिक्विड ए इसको मैं मिक्स कर दूं किसी प्योर लिक्विड बी के साथ प्योर लिक्विड बी के साथ ठीक है मिक्स होके बनेगा एक सोल्यूशन दोनों का जब मिक्सिंग होगा तो बनेगा एक सोल्यूशन सोल्यूशन में कुछ मॉलिक्यूल ए के भी होंगे कुछ मॉलिक्यूल बेटा बी के भी होंगे करेक्ट है ये बात समझ में आ रही है इसको लिख सकते हैं सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी लिख सकते हैं ये प्योर लिक्विड ए था इसको मिलाया बी के साथ सोलूशन बन गया बेटा प्योर लिक्विड ए का अपना कोई वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट का हम्म प्योर लिक्विड ए का अपना कोई वेपर प्रेशर होगा उसको मैं यहाँ पे पी ए नॉट लिख रही हूँ प्योर लिक्विड बी का भी अपना कोई वेपर प्रेशर होगा उसको मैं पी बी नॉट लिख रही हूँ बेटा सोल्यूशन के ऊपर भी कोई वेपर प्रेशर होगा उसको मैं पी एस लिख रही हूँ सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ठीक है लिख भी लेते हैं कि मैंने लिखा क्या है वेपर प्रेशर ऑफ ए वेपर प्रेशर ऑफ बी वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूशन ठीक है बेटा लॉ ये कहता है कि ये जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा ना पी एस पीएस विल बी इक्वल टू पीए प्लस पी बी अब आप बोलोगे कि मैम पी एस वाई पी एस इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एंड पी बी नॉट प्योर वेपर प्रेशर के बराबर नहीं है क्या नहीं प्योर वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होता बल्कि पी एस जो होता है वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है अब पी ए प्लस पी बी क्या है ध्यान से समझना

तो यहां पे उनका वेपर प्रेशर पी ए होगा और पीबी होगा ना कि पी ए नॉट होगा और पीबी नॉट होगा अब राउल्स लॉ हमें यही बताता है कि पीए कैसे निकलेगा और ये पीबी कैसे निकलेगा तो राउल्स लॉ कहता है कि पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट और पीबी इज इक्वल टू एक्स बी पीबी नॉट बस यही राउुल्स लॉ है राउल लॉ पार्शियल शब्द आपने गैस मिक्सचर में भी पढ़ा है कि जब भी दो चीजों तो पार्शियल इंडिविजुअल लिक्विड है तो खाली वेपर प्रेशर कहलाएगा दोनों लिक्विड को मिला दोगे प्रेशर तो प्रेशर क्या होता है मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर यही राउल लॉ है ध्यान से देखना राउल लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन मल्टीप्लाइड विद पार्शियल प्रेशर इन सॉरी वेपर प्रेशर होना चाहिए गलत लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड विद वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट समझ गए पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन मल्टीप्लाइड विद वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट क्लियर है आवाज कम आ रही है ऐसा कैसे हो गया अभी तक ठीक आ रही थी अब तुम लोगों को ब्रेक चाहिए इसलिए तो नहीं बोल रहे आवाज कम आ रही मैम हम्म थोड़ा साउंड बढ़ा लो बेटा हम्म थोड़ा साउंड बढ़ा लो हाँ देखो प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर तो होता है हर लिक्विड का लेकिन अगर दो लिक्विड को मिलाओगे तो सोल्यूशन में जाने के बाद उनका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा और वो पार्शियल वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा उनके मोल फ्रैक्शन पे आपने कितना मिलाया है सोल्यूशन में आपने कितना मिलाया है सोल्यूशन में इस बात पर डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन इन वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट अगर मैं पी ए और पीबी को सब्सटीट्यूट कर दू पी में पीएस में देखो अगर मैं पीए और पी बी को सब्सटीट्यूट कर दूँ पीएस में तो पी विल बी इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट बेटा सल्यूशन के ऊपर का जो वेपर प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन पे भी डिपेंड करेगा और दोनों कंपोनेंट के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा इतनी सी बात है आसान सी बात है नहीं समझ में आई भाई ए का प्योर स्टेट का प्रेशर क्या था उस पर भी डिपेंड करेगा साथ में ए के यहाँ कितने मोल हैं उस पर भी डिपेंड करेगा इसी तरह बी का प्योर स्टेट में प्रेशर क्या था उस पर भी डिपेंड करेगा और बी के यहाँ कितने मोल्स से उस पर भी डिपेंड करेगा तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको क्या करना है याद रखना क्लियर है बात ये सोल्यूशन का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना अच्छा मैंने आपको ना एक बात बताई थी वी नो आई नो यू नो वी नो एक बात कि एक्स से प्लस एक्स बी फ्रैक्शन कितना बोलो वन थको मत है ना थको मत पढ़ लो थोड़ा सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना one. तो क्या मैं लिख दूँ कि एक्स बी इज इक्वल टू वन माइनस एक्स से कोई दिक्कत तो नहीं होगी तकलीफ तो नहीं होगी किसी को अगर ऐसा लिख दिया जाए तो पेज कहाँ चला जाता है यार अरे 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 कोई दिक्कत तो नहीं है अगर ऐसा लिख दिया जाए एक्स बी इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ए पुट कर दो इधर पी एस इज इक्वल टू एक्से पी ए नॉट प्लस वन माइनस एक्स ए पी बी नॉट बेटा थोड़ा सा सॉल्व करो तो पी एस इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस एक्स ए पी बी नॉट बस मैंने मल्टीप्लाई किया कोई जादू नहीं किया अब अगर x से वाले टर्म्स को कॉमन ले लें तो पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक ये भी इक्वेशन का टाइप हो गया बट ये वाला इक्वेशन रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इक्वेशन आप निकाल लोगे ये इक्वेशन आप निकाल लोगे जब भी आपको ऊपर वाला इक्वेशन आता होगा अगर आपको ये वाला इक्वेशन आता होगा बस आप वन माइनस से पुट करके इसको निकाल लोगे आसानी से निकाल लोगे राइट राइट हो जाएगा तो ये है राउल्स लॉ और ये है मैथमेटिकल फॉर्मूला जो यूज होगा ठीक है आप देखो आगे बढ़ते हैं बेटा देखो मैंने कहा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ़ इज़ इक्वल टू नॉट ठीक है अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना हो मैं इसको ले लूं वाई एक्सिस पे और x ए को ले लूँ x एक्सिस पे तो आपको नहीं लगता कि ये इक्वेशन कुछ y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की आ रही है और y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोल दो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन यही होती है y इज इक्वल टू एम एक्स तो सबको पता है तो अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए राउल्स लॉ अगर हम ग्राफ की बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें और ग्राफ हम किस किस के बीच में बनाना चाह रहे हैं ग्राफ हम बनाना चाह रहे हैं बेटा प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ठीक है और मैंने दो एक्सेस क्यों लिए है क्योंकि एक तरफ मुझे ए का ग्राफ प्लॉट करना है और एक तरफ मुझे बी का भी प्लॉट करना है दो कॉम्पोनेंट है देखो मैंने यहाँ पर एक्से इज इक्वल टू वन लिया और x बी इज इक्वल टू जीरो लिया तो अगर x से इज इक्वल टू वन है सारा का सारा मोल फ्रैक्शन केवल a का है तो इस एंड को हम कह सकते हैं प्योर लिक्विड a। कह सकते हैं ना भाई x से आप वन ले रहे हो x भी आप जीरो ले रहे हो b है ही नहीं तो ये कहलाएगा प्योर लिक्विड a। इधर मैंने x b को वन ले लिया तो x से अपने आप क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो ये वाला एंड कहलाएगा प्योर लिक्विड बी तो यहाँ पे प्योर लिक्विड ए का कोई प्रेशर मान लेते हैं ए नॉट और प्योर लिक्विड बी का प्रेशर मान लेते हैं बी नॉट और अपने पास इक्वेशन है कि पी ए इज इक्वल टू एक्स से पी ए नॉट अब देखो ध्यान देना मुझे इसका ग्राफ बनाना है एक बार से को वन रख दो जैसे ही वन रखोगे तो पी ए कितना हो जाएगा पीए नॉट के बराबर हो जाएगा एक्से वन पे पी ए कितना है पीए नॉट के बराबर है और एक बार एक्सए को जीरो रख दो तो जैसे ही जीरो रखोगे तो पीए कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा बेटा ठीक है तो ग्राफ कहां से कहां तक जाएगा ग्राफ पीए नॉट से लेके जीरो तक जाएगा क्लियर हुई है बात और सिमिलरली पीबी का भी ग्राफ कहां से कहां तक जाएगा जीरो से पीबी नॉट तक जाएगा और अगर मैं इन दोनों के ग्राफ को देखो ये ग्राफ है पीए का ये ग्राफ है पी बी का अगर मैं इन दोनों के ग्राफ को एड कर दू PA PB, तो यही होता है पीएस सोल्यूशन के ऊपर का प्रेशर एड करने के लिए दोनों के मैक्सिमा पॉइंट को जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा पी एस सोल्यूशन के ऊपर का प्रेशर आ गया ग्राफिकली समझ में आ गया याद रखोगे पूरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है सारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ठीक है पीए का ग्राफ भी पी बी का ग्राफ भी और पीएस का ग्राफ भी पूरा स्ट्रेट लाइन है दोनों के मैक्सिमा को जोड़ दो आपको टोटल का ग्राफ मिल जाता है टोटल ग्राफ यू गेट बाय एडिंग मैक्सिमा। एडिशन करने का तरीका ही है ग्राफ में ग्राफ में एडिशन कैसे होगा दोनों के मैक्सिमम पॉइंट को जोड़ दो जो मांगोगे वो मिलेगा ब्रेक मांगा ब्रेक नहीं मिलेगा <laughs> अच्छा एक बात बताओ फिजिक्स मैथ्स की क्लास में ब्रेक लेते हो क्या तीन घंटे पढ़ना है उसमें भी ब्रेक चाहिए ब्रेक दे दो अरे पढ़ लो पढ़ लो अब ब्रेक ही है थोड़ा सा चैप्टर बचा है है उसके बाद ब्रेक ही ठीक है थीके? उसके बाद बेटा चाय ब्रेक टी ब्रेक सब ले लेना तुम लोग चलो तो ये हो गया हमारा राउल स्लो का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आगे चलते हैं एक सवाल कर ले राउल स्लो पे देखो एट गिवन टेम्परेचर टोटल वेपर प्रेशर इन टोर

एंड प्योर बी मतलब कि हमें क्या क्या निकालना है हमें पीए नॉट निकालना है हमें पीबी नॉट निकालना प्योर स्टेट के प्रेशर हमें प्योर स्टेट के वेपो प्रेशर निकालना है. है. निकाल है कैसे करें भाई मेरे पास एक इक्वेशन होती है सोल्यूशन के वेपो प्रेशर की वो ये होती है एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट क्या मुझे ये दोनों बातें पता चल जाएगी इस एक इक्वेशन से नहीं नो no चांस कि मुझे दोनों चीजें पता चल जाए एक इक्वेशन से है ना तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा हमें जो गिवन इक्वेशन है है ना वो बी के टर्म्स में है। क्या कोई तरीका है कि हम अपनी इक्वेशन को एक्स बी के टर्म्स में बदल ले एक्सए को गायब कर दे एकदम एक्सए को यहाँ से गायब कर दो पूरी इक्वेशन को किसके टर्म्स में बदल दो एक्स बी के टर्म्स में बदल दो बेटा तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि एक्सए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन तो एक्स ए इज इक्वल टू वन माइनस एक्स बी लिख सकते हैं तो पी एस इज इक्वल टू पुट करो वन माइनस एक्स बी पुट करो आसान है पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी पी बी नॉट आसान है बेटा पुट करो ठीक है थोड़ा सा और सॉल्व करो ये हो जाएगा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी ए नॉट ये हो गया ठीक है थोड़ा सा हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो इक्वेशन कुछ इस तरह की आ गई ये आ गई इक्वेशन अब क्या इसको और इसको कंपेयर किया जा सकता है अगर आप कंपेयर करोगे ध्यान दोगे तो बेटा एक्स बी के साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है सेवेंटी फाइव तो ये तो बन गया सेवेंटी फाइव ठीक है और दूसरा टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है वन ट्वेंटी तो बेटा ये बन गया आपके पास वन ट्वेंटी आया समझ में कि दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर कर लिया आया कि भाई इस इक्वेशन को केवल एक्स बी के टर्म में चेंज कर दिया एक्स ए प्लस एक्स बी वन रख के और दोनों को कंपेयर कर लिया तो पी ए नाट मेरे पास हो गया वन ट्वेंटी सीधा सीधा और पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट मेरे पास हो गया सेवेंटी फाइव तो पीबी नॉट माइनस वन ट्वेंटी कितना हो गया सेवेंटी फाइव अब तुम लोग सब इंटेलिजेंट बच्चे स्मार्ट बच्चे हो पीबी नॉट की वैल्यू निकाल के रख दोगे तो दोनों चीजें हमें मिल गई पी ए नॉट भी और पीबी नॉट भी तो ये था राउल्स लॉ क्लियर दिस वॉज राउल्स लॉ आगे बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट कॉम्पोजिशन ऑफ कॉम्पोनेंट इन वेपर फेज ये समझने के लिए तो भाई दिमाग लगाना पड़ेगा है ना और दिमाग अभी चलाना पड़ेगा आप दिमाग कैसे चलाओगे मुझे थोड़े से जवाब दोगे पहले तुम लोग क्या हेडिंग है ये समझना देखो मैंने, कहा कि मैंने दो लिक्विड को मिलाया ए और बी मैंने वन मोल चलो दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि दिखे मैंने वन मोल ए को वन मोल बी के साथ मिलाया क्या कोई मुझे एक्स से बता सकता है और क्या कोई मुझे एक्स भी बता सकता है जल्दी दोनों के मोल फ्रैक्शन बता सकता है अगर मैंने एक सोल्यूशन बनाया जिसमें वन मोल ए का है और वन मोल बी का है तो कोई मुझे बता सकता है दोनों के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे वट इज एक्स से एंड वट इज एक्स बी हम्म भाई एक्स से निकालने के लिए आपको गिवन मोल्स मतलब मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स करना होगा तो एक्स से कितना आ जाएगा वन बाय टू अंडरस्टोड और एक्स बी भी, भी कितना आ जाएगा वन बाय टू ठीक है मैंने कहा कि प्योर लिक्विड ए का जो प्रेशर है प्योर स्टेट में वो हंड्रेड एम एम एच जी है ये मान लेते हैं और बी का जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है ए का वो 100 है और बी का 200 है कौन बताएगा कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है हाँ ये तो सामने ही लिखा हुआ है ये सवाल नहीं है कौन बताएगा कि कौन सा लिक्विड ज्यादा वॉलेटाइल है विच लिक्विड इज मोर वॉलेटाइल बेटा जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है ना उस लिक्विड को ज्यादा वॉलेटाइल लिक्विड कहा जाता है ये बात समझ लो सीख लो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है दैट लिक्विड इज कॉल्ड मोर वॉलेटाइल तो यहाँ पे बी जो है वो आपका ज़्यादा वॉलेटाइल है और ज़्यादा वॉलेटाइल का मतलब है कि उसकी वेपर ज़्यादा बनेगी उसकी वेपर ज़्यादा बनेगी जब ये दोनों इस सोल्यूशन में से उड़ेंगे तो बी की वेपर ज़्यादा बनेंगी एज कम्पेयर टू ए को किसी और कलर से ले लेते हैं B की वेपर ज्यादा बनेगी एज compared टू A क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है क्योंकि B का वेपर प्रेशर ज्यादा है क्या इतनी बात समझ पा रहे हो कि B की वेपर प्रेशर ज्यादा है B की वेपर ज्यादा बनेगी B इज मोर वॉलेटाइल वेरी गुड वेल डन वेल डन वेरी गुड ठीक है करेक्ट है तो बेटा अगर मैं वेपर फेज में इनका मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूं भाई मुझे इनका मोल फ्रैक्शन चाहिए वेपर फेज में इसको हम डिनोट करेंगे वाई ए और वाई बी से तो वो लिक्विड फेज में के बराबर नहीं होगा लिक्विड फेज में दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर है दोनों के मोल्स बराबर है लेकिन वेपर में बी के मोल्स ज्यादा होंगे फॉर श्योर ज्यादा होंगे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि वाई बी विल बी ग्रेटर देन वाई ए वाई बी विल बी ग्रेटर देन वाई बी वाई ए क्योंकि बी ज्यादा वॉलेटाइल है तो वेपर बी की ज्यादा बनेगी तो वेपर फेस का जो हम मोल फ्रैक्शन डिनोट कर रहे हैं वो डिनोट कर रहे हैं वाई एंड वाई बी से एंड वाई बी ज्यादा होगा वाई ए से एग्री कर रहे हो एग्री कर रहे हो एग्री कर रहे हो कि वाई बी ज्यादा होगा चलो अब निकालेंगे कैसे ये देख लेते हैं बेटा इसको ना आप डायरेक्टली याद कर लो कि कैसे निकलता है एक इक्वेशन है कि वाई ए अपन वाई बी वैसे इक्वेशन मैं डिराइव भी करा सकती हूँ यहाँ पे बट नो नीड आप डायरेक्टली ये याद करो कि निकलता कैसे ठीक है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो ये है कि वाई ए वाई बी निकलता कैसे तो ये निकलता है एक्स से पी ए नॉट अपॉन एक्स बी पी बी नॉट ठीक है दिस इज द इक्वेशन कि अगर हमें ये पता करना है कि वेपर फेज में क्या कॉम्पोजिशन आ रही है ए और बी की सो इट विल दूसरी इक्वेशन तो आपको है कि हमेशा क्या होता है, One के बराबर होता है. दो इक्वेशन यूज करेंगे अपना काम हो जाएगा देखो अगर मैंने ऊपर डेटा तो लिया वही है भाई पी ए नॉट भी है मेरे पास बी नॉट भी है अगर मैं उस डेटा को पुट करू वाई ए अपन वाई बी तो एक्स ए कितना है वन बाई टू पी ए नॉट कितना है हंड्रेड एक्स भी कितना है वन बाय टू पी बी नॉट कितना है टू हंड्रेड ठीक है इसको सॉल्व करोगे वन बाय टू से वन बाय टू कट गया ये वन बाय टू आ गया वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू वन बाई टू तो हम लिख सकते हैं कि टू वाई एज इक्वल टू वाई बी लिख सकते हैं ठीक है अगर यहाँ पे पुट कर दे कि वाई ए प्लस टू वाई ऐसा ही आया ना हम्म दिस इज इक्वल टू वन तो ये हो गया थ्री वाई ए इज इक्वल टू वन मतलब वाई ए इज इक्वल टू वन बाई थ्री और अगर बेटा वाई ए वन बाई थ्री आया तो वाई बी विल बी टू बाई थ्री अब आपको खुद ही दिख गया कि वाई बी ज्यादा है वाई ए से दिखा कि नहीं दिखा कि नहीं यही चीज की मैं बात कर रहे थे कि लिक्विड फेस की कॉम्पोजिशन और वेपर फेज की कॉम्पोजिशन डिफरेंट आती है जो लिक्विड ज्यादा वॉलेटाइल है वो ज्यादा उड़ेगा उसका वेपर ज्यादा बनेगा जो लिक्विड कम वॉलेटाइल है वो कम उड़ेगा उसका वेपर कम बनेगा यहाँ पर ये ज्यादा वॉलेटाइल लिक्विड था इसलिए इसकी वेपर ज्यादा बनी टू बाई थ्री मोल फ्रैक्शन आया तो कभी भी अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो वेपर फेज का तो कौन से दो इक्वेशन लगाओगे एक ये और एक ये दो इक्वेशन आप यूज करोगे आपका क्या निकल जाएगा कॉम्पोजिशन निकल जाएगी वेपर फेज में क्लियर है इतना तो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन क्लियर है राउल्स लॉ क्लियर है कॉम्पोजिशन क्लियर है अब बात कर लेते हैं बेटा एक सवाल इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट सवाल है देखो

थर्टी सेवन मुझे मोल फ्रैक्शन बेंजीन का गिवन है पॉइंट फोर तो कौन मुझे मोल फ्रैक्शन टॉलवीन का बताएगा अगर क्वेश्चन ने आपको बेंजीन का मोल फ्रैक्शन पॉइंट फोर दे दिया है तो बहुत अंडरस्टूड सी बात है कि टॉलविन का मोल फ्रैक्शन वन माइनस पॉइंट फोर मतलब पॉइंट सिक्स हो जाएगा हमने फॉर्मूला लगाया कि वेपर फेज में बेंजीन अपॉन वेपर फेज में टॉलवीन के लिए एक्सएपीए नॉट अपन एक्स बी मतलब एक्स बेंजीन कर लेते हैं, पी बेंजीन कर लेते हैं, हैं, हैं। कर कर लेते हैं, P कर लेते हैं। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन है पॉइंट फोर और वेपर प्रेशर है वन वन नाइन बेटा टॉलवीन का मोल फ्रैक्शन है पॉइंट सिक्स और वेपर प्रेशर है थर्टी सेवन आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका वाई बेंजीन अपन वाई टॉलवीन निकल जाएगा बोलो हो जाएगा सॉल्व भाई ये काट लो टू बाई थ्री ठीक है और थ्री से वन वन नाइन कटेगा क्या नहीं करें, कटेगा तो नहीं तो और थर्टी सेवन से भी नहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है बट ठीक है करेंगे तो ये हो जाएगा टू थ्री एट अपॉन ठीक है? नहीं नहीं वन जीरो फोर नहीं, नहीं, नहीं। 111, ये हो गया तो बेटा ये इक्वेशन मेरे पास आ गई और दूसरी मेरे पास आ जाएगी कि वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू वन यहां से मैं लिख सकती हूँ कि वाई बेंजीन इज इक्वल टू टू थ्री एट अपॉन वन वन वन

और वन में से माइनस करोगे तो आपको बेंजीन का भी मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा क्लियर है क्या ये बात हुँ? समझ में आई ये बात तो इस तरह से हम वेपर पेज की भी कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं समय कम बचाए घंटा बचाए कोई बात नहीं चैप्टर खत्म हो जाएगा घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो ये हो गया आपका अब हम बात करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन की और बिल्कुल अच्छे से समझना आइडियल सोल्यूशन क्या है नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आइडियल सोल्यूशन क्या है इंपॉर्टेंट है आजकल इस पर बहुत सवाल आ रहे हैं नीट में भी और ट्वेल्थ बोर्ड में भी आइडियल नॉन आइडियल बहुत पूछा जा रहा है ध्यान से पढ़ना देखो वट इज आइडियल बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है वो सोल्यूशन जो फॉलो करता है किसको को ये कैसी डेफिनेशन है ऐसा सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करे वो आइडियल है मतलब अगर आप उसका वेपर प्रेशर निकालो तो वो एग्जैक्टली एक्स ए पी ए नॉट जो आपने फॉर्मूले से निकाला है वेपर प्रेशर बिल्कुल उतना ही आएगा मतलब आपका फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा प्लस एक्स बी पी बी नॉट देखो मान लो आपने सोल्यूशन बनाया इस सोल्यूशन में ए बी है और इस सोल्यूशन में बी भी है तो एक तो आपने फॉर्मूले से वेपर प्रेशर निकाला सोल्यूशन के ऊपर का टी एस और दूसरा आपने क्या किया यहाँ पे बैरोमीटर लगा के वेपो प्रेशर मेजर किया तो जो लैब में वेपो प्रेशर मेजर किया और जो फॉर्मूले से निकाला था वो बिल्कुल सेम आए तो मतलब कि आपका राउट लॉ फॉलो कर रहा है मतलब जो आपने थ्योरी पढ़ी है और जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो सेम है तो इसको हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं ये होता कब है ये सीखेंगे किस केस में सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन होता है अगर आप चाहते कि हो कि राउल्स लॉ फॉलो हो सोल्यूशन आइडियल बने तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि नेचर ऑफ इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस बिटवीन ए ए बीबी एंड ए बी मस्ट बी सेम ठीक है ये समझे कि नहीं देखो जब आपने प्योर लिक्विड ए लिया होगा कहीं पे हमने प्योर लिक्विड ए लिया था पीछे चले थोड़ा सा देखो ये हमने प्योर लिक्विड ए लिया था तो ए ए के बीच में कोई ना कोई फोर्सेस होंगी ए ए मॉलिक्यूल के बीच में फिर हमने प्योर लिक्विड बी लिया था तो बी और बी मॉलिक्यूल के बीच में भी कोई ना कोई फोर्सेस होंगी बेटा बेटा जब यहाँ पे ए और बी के मॉलिक्यूल मिक्स हो गए तो A और B के साथ भी कोई ना कोई ना फोर्सेस डेवलप हुई होंगी हमेशा दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मोलिकुलर फोर्सेज होती है तो आइडियल सोल्यूशन तभी बनेगा जब आपकी ए ए वाली फोर्सेस बीबी वाली फोर्सेज और ए बी के बीच वाली फोर्सेज तीनों एक जैसी हो तीनों कैसी हो सेम टाइप की फोर्सेस हो सिमिलर फोर्सेस हो क्या ये कंडीशन आपको समझ में आई पहला पॉइंट समझ में आया कि नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ए ए बीबी एंड ए बी मस्ट बी सेम दूसरा दूसरा नो हीट इज इवॉल्व और एब्सॉर्ब जब बेटा आप ए बी को मिला रहे हो क्योंकि आपका नेचर ऑफ फोर्सेस सेम है ना कोई नए बॉन्ड बने ना कोई पुराने बॉन्ड टूटे मतलब ना तो स्ट्रांग बॉन्ड बने ना ही बॉन्ड वीक हुए तो ना तो कोई हीट इवॉल्व होगी ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होगी इसको हम लिखते हैं कि डेल्टा एच मिक्स एन्थैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो होनी चाहिए ना कोई हीट इवॉल्व होगी ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होगी एन्थैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो होना चाहिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग बेटा आइडियल सोल्यूशन में क्योंकि सेम टाइप की फोर्सेज हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज का ही सारा गेम है क्योंकि सेम टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है तो ना तो वॉल्यूम कम होगा ना वॉल्यूम ज्यादा होगा देखो इस बात को समझना कि अगर फोर्सेज स्ट्रोंग हो जाती अगर फोर्सेज स्ट्रोंग हो जाती अगर ए और बी के बीच में स्ट्रोंग फोर्स डेवलप होती तो वॉल्यूम कंट्रैक्ट हो जाता अगर फोर्सेस वीक हो जाती ए का मॉलिक्यूल और बी का मॉलिक्यूल लड़ाई झगड़े कर रहे हैं दोनों में कोई प्यार मोहब्बत ही नहीं है दोनों में कोई फोर्सेस ही नहीं है दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं तो वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाएगा अगर दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा लेकिन अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज चेंज नहीं हुई तो ना तो वॉल्यूम एक्सपैंड होगा ना ही वॉल्यूम कंट्रैक्ट होगा तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा बी मिक्सिंग मिक्सिंग का जो वॉल्यूम है ज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग शुड बी जीरो पॉइंट समझ में आया तो ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं आइडियल सोल्यूशन की इसके अलावा देखना बेटा डेल्टा जी मिक्स गिप्स फ्री एनर्जी लेस देन जीरो होगा और एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा दिस इज ट्रू ऑल क्योंकि मिक्सिंग इज अस्पटेनियस प्रोसेस भाई दूध और पानी को बस आप ऐसे रख दो वो अपने आप मिक्स हो जाएंगे स्पॉन्टेनियस है और स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी जीविक्स लेजन जीरो बढ़ जाती है जब दो चीजें मिक्स होती हैं तो उनकी एंट्रोपी बढ़ जाती है तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है किसके बारे में आइडियल सोल्यूशन के बारे में ठीक है क्लियर है इतनी बात अब बात करेंगे बेटा नॉन आइडियल सोल्यूशन की हेडिंग डाल दो इस बार नॉन आइडियल सोल्यूशन तो अगर मैंने बताया था कि आइडियल सोल्यूशन वो है जो लॉ को फॉलो करता है तो नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन होगा क्या होना चाहिए नॉन आइडियल सोल्यूशन वो होगा विच नॉट फॉलो राइट राउल्स लॉ डज नॉट फॉलो का क्या मतलब है कि आप जो लिख रहे थे ना पी एस शुड बी इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट जब एक्चुअल में जब आप लैब में जाके इस पीएस को मेजर करोगे इस पीएस को बैरोमीटर लगा के देखोगे तो इट विल नॉट कम टू डज नॉट फॉलो का मतलब वो बराबर आएगा ही नहीं आपके मैथमेटिकल फॉर्मूला के बराबर आएगा ही नहीं और जब बराबर नहीं होती दो चीजें तो क्या हो सकता है अगर दो चीज़ें आपस में बराबर नहीं है तो या तो ग्रेटर हो सकता है समझ रहे हो बात को कि या तो ग्रेटर हो सकता है बेटा अगर बराबर नहीं है तो या तो ग्रेटर हो सकता है या फिर लेस हो सकता है दो ही कंडीशन है और तो नहीं है ना कुछ <coughs> इसके अलावा कोई और तीसरी कंडीशन ग्रेटर और लेस के अलावा दो ही बातें हैं बेटा बेटा अगर ग्रेटर होगा तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन सल्यूशन और अगर बेटा लेस होता है तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन सल्यूशन अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन आया क्यों फट से समझ लेना बहुत जल्दी आप लोग इसको समझ पाओगे देखो अगर एबी के बीच में डेवलप हुई इंट्रोमोलिकुलर फोर्सेस आर वीकर देन ए एंड बी बी बस इसी से आपको समझ में आ जाएगा इसी से समझ आ जाएगा अगर ए बी मिक्सिंग के बाद ए और बी के बीच में जो फोर्स डेवलप हो रही है वो वीक है अगर वो वीक है तो वेपर ज्यादा बनेगी अगर फोर्स वीक डेवलप हुई है तो मोलिक्यूल तो उड़ उड़ के भागेंगे एक दूसरे से दूर भागेंगे वेपर फेज में उड़ जाएंगे उड़ जाएंगे तो पी ज्यादा आ जाएगा बस इतनी सिंपल सी बात है हुआ क्लियर हो गया क्लियर तो ये बात याद रखना अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीकर हैं तो बेटा वॉल्यूम आपका बताओ कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा बेटा बढ़ जाएगा अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीकर हैं तो बेटा हीट इवॉल्व होगी हीट बाहर निकलेगी ठीक है सॉरी एब्सॉर्ब होगी वीक हो रहा है ना ग्रेटर देन जीरो होगा एनथेल्पी ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन होगा हीट एब्सॉर्ब होगी क्योंकि बॉन्ड वीक करने के लिए हीट लगती है ठीक है बॉन्ड वीक करने के लिए हीट लगती है जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो हीट इवॉल्व होती है तो हीट एब्सॉर्ब होगी विल बी ग्रेटर देन जीरो अच्छा इसका जस्ट उल्टा इसका जस्ट उल्टा किस में आ जाएगा नेगेटिव डेविएशन में कि ए बी के बीच की फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी बिल्कुल उल्टा लिखते चलो ठीक है अगर फोर्सेस स्ट्रांग हो गई तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा मतलब डेल्टा वी मेक्स लेस देन जीरो अगर फोर्सेस स्ट्रांग हो गई तो बेटा बॉन्ड एनथेलपी हो रिलीज होगी रिलीज होगी मतलब एक्सोथर्मिक लेस देन जीरो अब आप बहुत इजीली याद रख सकते हो क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में ये दोनों चीजें पॉजिटिव हैं नेगेटिव डेविएशन में ये दोनों चीजें नेगेटिव है ट्रिक है ये बेटा ये ट्रिक है याद रखने की कि पॉजिटिव डेविएशन में इंथेलपी और वॉल्यूम दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम दोनों नेगेटिव है दिस इज ट्रिक लेकिन मत भूल के चक्कर में एक बात, बात गड़बड़ मत कर देना कि डेल्टा जी मिक्स इसमें भी लेस देन जीरो इसमें भी लेस देन जीरो और पिछली बार भी लेस देन जीरो ही था और एंट्रोपी हमेशा मिक्सिंग करने पर बढ़ती है एंट्रोपी हमेशा मिक्सिंग करने पर बढ़ती है किप्स फ्री एनर्जी हमेशा ही कम होती है चाहे आप कोई सा भी सोल्यूशन बनाओ एंट्रोपी हमेशा ही बढ़ती है चाहे आप कोई सा भी सोल्यूशन बनाओ चाहे आइडियल बनाओ या नॉन आइडियल बनाओ ठीक है इतनी बातें याद हो गई बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन को ग्राफ से समझना देखो मैंने ना आपको आइडियल का ग्राफ बना के दिया था कि अगर राउल्स लॉ फॉलो हो रहा है तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा अगर राउल्स लॉ फॉलो हो रहा है तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा ऐसा ही था ग्राफ अभी ज्यादा देर नहीं हुई है पढ़े हुए याद होना चाहिए अभी तो पढ़ा है बेटा याद होगा ऐसा ही कुछ ग्राफ था हम्म? अगर राउल फॉलो नहीं हो रहा ये ग्राफ आइडियल का है दिस ग्राफ इज फॉर आइडियल बेटा अगर पॉजिटिव डेविएशन है ये पी है ना अगर पॉजिटिव डेविएशन है बेटा तो ये ग्राफ ऐसा आएगा दिस इज फॉर पॉजिटिव डेविएशन कि पीएस की वैल्यू बढ़ जाएगी और अगर बेटा नेगेटिव डेविएशन है तो पीएस की वैल्यू कम आ जाएगी तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा फॉर नेगेटिव डेविएशन समझ गए नेगेटिव डेविएशन में आइडियल से कम हो जाता है पी एस पॉजिटिव डेविएशन में आइडियल से ज्यादा हो जाता है पी एस तो दिस इज फॉर पॉजिटिव डेविएशन दिस इज फॉर नेगेटिव डेविएशन ग्राफ इज इम्पॉर्टेंट ठीक ग्राफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल एनसीआरटी में जितने एग्जाम्पल पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के लिखे हैं सीधा याद कर लेना ट्वेल्थ बोर्ड के लिए इवन नीट के लिए भी नीट के पेपर में आजकल बड़ा ट्रेंडिंग सवाल है पॉजिटिव डेविएशन का विच ऑफ द गिवन इज एन एग्जाम्पल तो ये सारे एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन के आप क्या करोगे याद करोगे बेटा इसी तरह से सारे नेगेटिव डेविएशन के आप क्या करोगे याद करोगे बेटा सीधे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आपको रटे होने चाहिए पेपर में बैठ के दिमाग नहीं लगाना है कि अच्छा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है नहीं सोच पाओगे अगर नहीं याद है तो नहीं सोच पाओगे इसलिए याद करके जाना तो दिस वॉज लॉ, ठीक है अब हम आएंगे एक छोटा सा हेडिंग है एक छोटा सा टर्म है एजियो किसको कहते हैं सबसे पहले एजियोट्रॉप जो होते हैं वो नॉन सोल्यूशन होते हैं सबसे पहले ये याद रखो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं है। और ऐसी खास बात है इनकी कि हम इनको अलग से पढ़ रहे हैं बेटा इनको ना कांस्टेंट बॉयलिंग मिक्सचर कहा जाता है मतलब सोल्यूशन एट सर्टेन कॉम्पोजिशन विच कंटिन्यूज टू बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंज इन कॉम्पोजिशन इज नोन एन एजट्रॉप देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर लिक्विड फेज में यहाँ एक्स ए है यहाँ एक्स बी है वेपर फेज में वाई ए है और वाई बी है तो होता क्या है अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर ये वन बाई टू है ये ये है, तो ये by आया था और ये ये आया आया था, आया था। ऐसा ही है, है x भी नॉट इक्वल टू वाई भी आता है मतलब वेपर फेज की कॉम्पोजिशन डिफरेंट आती है लिक्विड फेस से यही सिखाया था लेकिन केस ऑफ एजियोट्रॉप कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज बिकम्स सेम दैट ऑफ लिक्विड फेस ठीक है कॉम्पोजिशन और लिक्विड फेस की कॉम्पोजिशन क्या हो जाती है बेटा सेम हो जाती है इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि एट दी विदाउट चेंज इन दी कॉम्पोजिशन इसीलिए इसको कॉन्स्टेंट बोला जाता है क्योंकि कॉम्पोजिशन कॉन्स्टेंट हो जाती है कॉम्पोजिशन आपके पास क्या हो जाती है कांस्टेंट हो जाती है तो कांस्टेंट कंपोजिशन के मिक्सचर होते हैं जिनको एज़ोट्रॉप कहते हैं मतलब YA एग्जैक्टली exactly XA के बराबर आएगा और YB एग्जैक्टली exactly Xb के बराबर आएगा ठीक है एक बात ध्यान रखना कि एज़ोट्रॉप जो होते हैं उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते ये बात इंपॉर्टेंट है ठीक है ये बात इंपॉर्टेंट है कि एज़ोट्रॉप को हम डिस्टिलेशन लगा के बदल नहीं सकते भाई मैंने फिफ्टी फिफ्टी परसेंट लिक्विड में लिया और वो वेपर में भी फिफ्टी फिफ्टी परसेंट ही मिल रहा है 50 A, 50 B, वेपर फेज में भी 50 A, 50 B, तो क्या ही फायदा? ही फायदा सेपरेशन सेपरेशन हो नहीं रहा नो no ठीक है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा के आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते चलिए आगे बढ़े अब हम पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन हमारा लास्ट पार्ट है बेटा तीसरा पार्ट है थोड़ी शांति मिलेगी तुम लोगों की हम आखिरी पे पहुंच गए क्योंकि तुम लोग कह रहे हो कि बहुत देर हो गई थक चुके हो थक चुके हो आखिरी पार्ट है सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन और इसमें हमें क्या पढ़ना है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखो द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सल्यूट विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल बट डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सल्यूट आर कॉल्ड क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी क्वालिकेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो केवल नंबर ऑफ पे डिपेंड करती है मतलग, अगर मैं एक लीटर पानी लू और मैंने इसमें ग्लूकोज डाल दिया कितना डाल दू ट्वेंटी पार्टिकल्स डाल देते हैं और सेम एक लीटर पानी में हम ट्वेंटी पार्टिकल्स यूरिया डाल देते हैं तो बेटा क्योंकि पार्टिकल्स का नंबर सेम है इसलिए इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी ऐसी प्रॉपर्टीज जो केवल नंबर पे डिपेंड करती है अगर ये नंबर सेम है ट्वेंटी पार्टिकल ग्लूकोज ट्वेंटी पार्टिकल यूरिया तो मतलब ही नहीं है कि इधर ग्लूकोज है और इधर यूरिया है नेचर से कोई लेना देना ही नहीं है नंबर सेम है प्रॉपर्टी सेम आएगा इसको कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर से इंडिपेंडेंट है ठीक है तो इन प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है एक होती है बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना वेपर प्रेशर का कम हो जाना तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर चार प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है वन बाय वन पढ़ेंगे ये चारों अपने पास क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत टफ होता है पूरे चैप्टर को एक दिन में खत्म करना तुम लोगों को तब ब्रेक चाहिए जब तुम लोग बैठ के सिर्फ सुन रहे हो और मेरा सोचो कितना ज्यादा एनर्जी निकल रहा है कंटिन्यूस बोलना भी है कंटिन्यूस लिखना भी है कंटिन्यूस सोचना भी है है ना तब भी तुम लोग को ब्रेक चाहिए तो ब्रेक व्रेक नहीं मेहनत करो मेहनत करो मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा तो सबसे पहले प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वे प्रेशर तो बेटा कुछ ऐसा कह रहे हैं कुछ ऐसा कह रहे हैं कि <coughs> पेन कहा चला गया कोई मुझे बताएगा वेर इज द मोर पे चले ओ ओ ओ अब सेम कलर से पढ़ना होगा क्या हमें वेर इज देन कुछ तो गड़बड़ हुआ है ठीक है मुझे ये बोर्ड आई एम नॉट वेरी मच फैमिलियर विद दिस बोर्ड तो मुझे अभी पेन तो नहीं मिल रहा है यहाँ से भी आता है ना पेन नॉ चलो कोई नहीं सेम कलर से पढ़ लेते हैं मार्क है क्रॉप है टाइमर है छोड़ो पेन नहीं मिल रहा छोड़ो कोई नहीं देखो अगर आप लिक्विड में ये प्योर सॉल्वेंट है मतलब ये प्योर लिक्विड है अगर आप इसमें कोई सॉलिड ऐड करोगे नॉन वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल समझ रहे हो जो उड़ता नहीं है नॉन वॉलेटाइल सॉलिड जो उड़ता नहीं है जिसकी वेपर्स नहीं बनती तो अगर आप प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉलिड ऐड करोगे आ गया फिर तो अगर आप कोई नॉन वॉलेटाइल सॉलिड ऐड करोगे तो बेटा सॉलिड के पार्टिकल भी थोड़ा थोड़ा तो सरफेस लेके बैठेंगे ना सॉलिड के पार्टिकल भी कहीं ना कहीं तो बैठेंगे ही ना पहले लिक्विड अकेला था अब सरफेस पे सॉलिड पार्टिकल भी बैठ गए तो लिक्विड का इवापोरेशन कम हो जाएगा आपको पता है इवापोरेशन एक सरफेस प्रॉपर्टी है बचपन में पढ़ा था तो सरफेस ही कम हो जाएगा सरफेस एरिया ही कम हो जाएगा तो इवापोरेशन भी कम हो जाएगा वेपर कम बनेगी कम वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्लियर है इतनी बात तो जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस लिख लो इस बात को वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट डिक्रीजेस ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉलिड into 8 क्या ये बात समझ में आई कि सरफेस एरिया कम मिलेगा लिक्विड को उड़ने के लिए कम वेपर बनेगी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा ठीक है डिक्रीज हो जाएगा क्लियर हो गई बात अब कितना डिक्रीज होगा ये समझ लेते हैं भाई हमने वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का फॉर्मूला पढ़ा था x a p 0 x b p v 0 ठीक है मैंने कहा b जो है वो सॉलिड सॉल्यूट है और सॉलिड भी कैसा नॉन वॉलेटाइल और यू शुड नो कि नॉन वॉलेटाइल दिख रहा है यू शुड नो कि नॉन वॉलेटाइल में वेपर प्रेशर जो होता है वो जीरो होता है भाई नॉन वॉलेटाइल अगर कह रहे हैं तो मतलब जीरो वेपर प्रेशर तो अगर मैं पी बी नॉट को यहां पे जीरो रख दू तो पीएस विल बी इक्वल टू एक्स पी ए नॉट बस इतना बचेगा पीएस ठीक है x से की जगह पर फटाफट से वन माइनस एक्स करो फटाफट वन माइनस एक्स बी करो पीए नॉट तो पीएस इज इक्वल टू पीए नॉट माइनस एक्स बी पीए नॉट पीए नॉट ठीक है तो हम क्या करें न, सही है ये जो मैंने लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख दें कि पीए नॉट माइनस पी एस अपॉन पीए नॉट दिस इज इक्वल टू एक्स बी ये तो लिखा जा ही सकता है ना पीए नॉट माइनस पी एस अपॉन पीए नॉट दिस इज इक्वल टू एक्स बी इसे ही कहते हैं बेटा आर एल वी पी आर एल वी पी मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इसे ही बोला जाता है देखो शुरू में वेपर प्रेशर पीए नॉट के बराबर था प्योर सोलवेंट का वेप ऑफ प्रेशर पीए नॉट के बराबर था आपने उसमें सॉलिड मिलाया और वेपर प्रेशर पीएस हो गया और मैंने कहा वो कम होगा तो पी ए माइनस पी और इनिशियल के रेस्पेक्ट में जो कम हुआ उसे कहते हैं रिलेटिव विद रेस्पेक्ट टू पी कितना कम हुआ पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन दिस इज इक्वल टू एक्स बी तो बहुत आसान है कि वेपर प्रेशर की जो लोअरिंग होगी लिख दो लिख दो मैं थ्योरी में लिख दू इसको कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपो प्रेशर इज सिंपली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी वेपो प्रेशर की लोअरिंग जो रिलेटिव लोअरिंग होगी मतलब पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पीए नॉट दिस इज सिंपली इक्वल टू एक्स बी एक फॉर्मूला आप ये याद करोगे आपको ये भी पता है कि एक्स बी को क्या बोला जाता है आपको ये भी पता है कि एक्स बी क्या होता है एक्स बी होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी ये भी आपको पता है दूसरा फॉर्मूला आप ये याद करोगे ठीक है एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी अगर सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब आपकी एन बी बहुत कम है तो एन बी बहुत छोटा है किससे एन ए से सॉल्वेंट के मोल्स बहुत ज्यादा है सोल्यूट बहुत कम है तो हम इसको लिख सकते हैं पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए एक फॉर्मूला आप ये याद करो ठीक है ये आपको समझ में आया मैंने क्या किया मैंने कहा कि अगर सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है बहुत डाइल्यूट है तो ये एन बी क्या हो जाएगा नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि एन बी बहुत छोटा है इन्हें से समझ गए समझ गए एन बी को क्या करोगे नेगलेक्ट कर दोगे बेटा है ना पानी ब्रेक पानी पीते हैं तुम लोग भी पी लो डन डन चलो तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हम सब याद रखेंगे आर एल वीपी का ठीक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का चलिए एक सवाल कर लेते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 640 मतलब प्योर बेंजीन मतलब पी ए नॉट प्योर वाला वेपर प्रेशर कितना है सिक्स फोर्टी एम एम एच जी ठीक है नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड कितना ऐड किया गया ग्राम सॉलिड .17, इसमें ऐड किया गया कितने में थर्टी नाइन ग्राम बेंजीन में ओके प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन

ये दो फॉर्मूला आप याद कर लो हम सीधा ये फॉर्मूला लगा रहे हैं 640 600 640 दिस इज इक्वल टू मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के देखो 2.175 अपॉन मोलर मास ऑफ बी बताएगा कि मोल्स कितने है गिवन मास अपॉन मोलर मास बताएगा मोल्स कितने यहाँ यहां 39 अपॉन बेंजीन का मोलर मास कितना होता है जल्दी से बता दो C6H6

और आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो इस तरह के आसान आसान सवाल आते हैं जो आप कर लोगे चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है अपने पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डू यू नो द रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है या ज्यादा है वॉट इज द रिलेशन बॉइलिंग पॉइंट समझे अगर पेट्रोल जल्दी उड़ता है तो वो इसीलिए जल्दी उड़ता है क्योंकि उसका boiling point कम है तो जितना हाई प्रेशर होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो अगर बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ था लोअरिंग हुआ था अगर बॉइलिंग पॉइंट में लोअरिंग होता है सॉलिड मिलाने पे सॉरी अगर वेपर प्रेशर में लोअरिंग होता है सॉलिड मिलाने पे वेपर प्रेशर में क्या होता है लोअरिंग तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होना चाहिए बेटा राइस बॉइलिंग पॉइंट में क्या होना चाहिए बेटा राइस समझ गए बात तो ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉलिड टू अ सॉल्वेंट अगर क्या प्योर वॉटर का तो है ही हंड्रेड तो सॉल्टी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होगा या शुगरी वॉटर का बॉयलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होगा या ग्लूकोज वाले पानी का बॉयलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होगा कितना ज्यादा होगा द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जितना होगा उसको हम लिखते हैं डेल्टा टीबी से किससे डेल्टा टीबी डेल्टा फॉर एलिवेशन टीबी फॉर बॉइलिंग पॉइंट एंड डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम स्मॉल एम क्या बताया था मैंने मोलिटी तो एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि डेल्टा टीबी जो होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है स्मॉल एम मोलिटी यहाँ पे साइन हटाओगे तो आप लिखोगे के बी इंटू एम के बी एक कॉन्स्टेंट है बेटा के बी इज कांस्टेंट और केबी को कहते हैं मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट क्या कहते हैं मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला बेटा किसका फॉर्मूला you know और मोलैलिटी निकल गई तो डेल्टा टीवी भी निकल जाएगा कितना बॉयलिंग पॉइंट बढ़ा यह भी निकल जाएगा चले आगे देखो अल्यूशन कंटेनिंग थ्री पॉइंट टू फोर ग्राम ऑफ अट सलूट एंड टू हंड्रेड ग्राम ऑफ वॉटर

माइनस कर लोगे पॉइंट बढ़ गया हंड्रेड पॉइंट में से हंड्रेड को माइनस कर दो इतना आ जाएगा अब फॉर्मूला लगाया हमने कि डेल्टा टीबी टू के बी इन टू मोलैलिटी डेल्टा टीबी मेरे पास है पॉइंट वन थ्री बेटा केबी कितना है केबी क्वेश्चन देगा मैंने आपको बोला केबी आपको क्वेश्चन देगा पॉइंट फाइव वन थ्री ओके तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट देखो मॉलिक्यूलर वेट के लिए आपको मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी आपको पता है कि मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट है ना मोलैलिटी यही होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 3.24 ग्राम सॉल्यूट है मोलर मास से डिवाइड करोगे मोल्स आ जाएगा सॉल्वेंट कितना है 200 ग्राम है 1000 से डिवाइड करोगे के में आ जाएगा तो ये मोलालिटी भी हमने निकाल ली थोड़ा सा सॉल्व कर लो 200,000 काट लो 5 हो जाएगा तो 3.24 पॉइंट टू फाइव डिवाइड बाई एम ये आ गई बेटा मोलालिटी मोलालिटी को इधर पुट कर दो 3.24 पॉइंट टू फाइव डिवाइड बाई एम तो बताओ मोलर मास निकलेगा कि नहीं निकल जाएगा मोलर मास बस इस तरह से आसान आसान सवाल होते हैं बेटा किसके मोलर मास निकालने के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से ठीक है ठीक है देखो शुरू में मैंने मोलिटी वगैरह इसीलिए धीरे पढ़ाया था कि एक बार आप सीख गए तो कम यहां पे आप स्पीड में उसको यूज कर पाओगे मोलैलिटी ठीक है सीख चुके हैं इसलिए स्पीड में यूज कर पा रहे हैं चलिए तीसरी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी पे चलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेटा जिस तरह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है कम हो जाता है डिक्रीज हो जाता है ठीक है जैसे ही आप एक सॉलिड मिलाओगे ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉलिड टू अ सॉल्वेंट किसी सॉल्वेंट में अगर आप नॉन वॉलेटाइल सॉलिड मिलाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है बेटा डिक्रीज हो जाता है अब डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लिखेंगे डेल्टा टीएफ और जैसे बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है सेम इसी का है यहां होता है केएफ इनटू मोलैलिटी बिल्कुल फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है बेटा सेम फार्मूला है बॉइलिंग पॉइंट जैसा यहां केएफ को बोला जाएगा मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन

के, दिया है, के भी नहीं दिया है के हम पिछले वाले सवाल से उठा लेंगे ठीक है? हम पिछले वाले सवाल का यूज करेंगे क्योंकि वाटर का सेम ही डेल्टा टीवी आपको समझ में आ रहा है हंड्रेड पॉइंट डिग्री पे बॉइल हो रहा है हंड्रेड पे ना होके तो कितना बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है पॉइंट वन सेवन डिग्री ठीक है पॉइंट वन सेवन डिग्री डेल्टा टी एफ हमें निकालना है डेल्टा टी बी का फॉर्मूला के बी इंटू डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला के एफ इंटू मोलालिटी क्या सोल्यूशन की मोलालिटी गिवन है क्या हमें सोल्यूशन की मोलालिटी गिवन है कोई तरीका है मोलालिटी टर्म को हटाने का मोलालिटी तो गिवन नहीं है कोई तरीका है जिससे मोलालिटी वाला टर्म हट जाए हाँ एक तरीका है डिवाइड कर दो एक तरीका है बेटा क्या कर दो डिवाइड <coughs> कर दो डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी मोलैलिटी कट गई डेल्टा टी एफ हमें निकालना है डेल्टा टी बी कितना है पॉइंट वन सेवन के एफ कितना है वन पॉइंट एट सिक्स और केबी होता है पॉइंट फाइव टू पानी के लिए ठीक है सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा डेल्टा टी एफ आ जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस टेम्परेचर पे ये सोल्यूशन क्या होगा फ्रीज होगा चलो सॉल्व कर ही लो तुम लोग सॉल्व करके ही मुझे बताओ कि कितना आ रहा है 1.86 है जल्दी सॉल्व कर लो बेटा 1.86 डिवाइड करो इसको किससे करोगे 0.52 से और फिर बेटा मल्टीप्लाई करोगे किसका 0.17 का ये आ रहा है बेटा 0.6 मतलब ये नहीं रुको 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 डेल्टा टीएफ आ रहा है बेटा 0.6 तो ये बताओ कि सॉल्यूशन कितने टेम्परेचर पे फ्रीज होगा देखो सॉल्यूशन का पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए था 0 अब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है कितने से 0.6 से तो जो फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का आएगा दैट विल बी माइनस जीरो पॉइंट सिक्स डिग्री क्या ये बात समझ में आई जीरो होना चाहिए था हो गया कम हो गया तो माइनस में फ्रीज होगा माइनस पॉइंट सिक्स डिग्री पे अब ये फ्रीज होगा क्लियर है द टाइम फोर फोर्टी थ्री कोई बात नहीं आराम से पढ़ो ठीक है अब ऑस्मोटिक प्रेशर पे चलते हैं अगली क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आप लोग ऑस्मोसिस समझते हैं प्रेशर तो हम तभी समझेंगे जब आप लोग मुझे बताओगे कि डू यू अंडरस्टैंड ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस समझते हो अरे बायोलॉजी में भी पढ़ते हो ऑस्मोसिस तो केमिस्ट्री के अलावा देखो अगर मैं दो सोल्यूशन के बीच में एक दीवार लगा दू बॉर्डर लगा दू लेकिन बॉर्डर कैसा है एस का है एसपीएम बोले तो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन, ठीक है कि कुछ ना कुछ इधर उधर जा सकता है मान लेते हैं ये एक सल्यूशन है और इधर एक प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं राइट साइड में मैंने बोला ये प्योर सॉल्वेंट है और ये सल्यूशन है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा पीए नॉट सोल्यूशन का कितना होगा पीएस कोई मुझे बता सकता है किसका प्रेशर ज्यादा होता है प्योर सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का कैन यू टेल मी पीए नॉट बड़ा होता है कि पीएस बड़ा होता है सॉल्वेंट मतलब कि आपने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया हम्म पी ए नॉट बड़ा होता है पक्का पीए नॉट बड़ा होता है कि पीएस बड़ा होता है अरे पी ये नॉट बड़ा होता है क्योंकि सॉलिड मिलाओगे तो घट जाएगा वेपर प्रेशर तो मान लेते हैं कि ये दस एटीएम है और ये है आठ ए टी एम तो अगर इधर दस एटीएम का वेपर प्रेशर है और इधर 8 का है तो बेटा आपको नहीं लगता कि मॉलिक्यूल्स इधर से इधर की तरफ फ्लो करेंगे हम्म प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ मॉलिक्यूल फ्लो करेंगे या फिर आई कैन से कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे इसी को ऑस्मोसिस कहा जाता है तो वॉट इज ऑस्मोसिस क्या लिखेंगे हम लोग ऑस्मोसिस इज नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू High concentration region or from high pressure to low pressure region through SPM selectively permeable membrane. तो या तो लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन बोलोगे या लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर अब 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 क्या होगा अब बायो वाले लोग चिल्लाने लगेंगे मैम मैम हाई टू लो होता है बायो किताब में लिखा है हाई टू लो देखो बायो की एनसीईआरटी मैंने भी पढ़ी है ठीक है बायो की एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू यही लिखा है ना आधा दूरा मत पढ़ा करो लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट तो यहाँ पे ना एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है बायो के एनसीआरटी में हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट वो मेंशन कर रहे हैं कि हम सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं जबकि केमिस्ट्री में हम अगर हम कंसेंट्रेशन की बात करते हैं तो हम सॉल्यूट कंसेंट्रेशन की बात करते हैं केमिस्ट्री में इसलिए केमिस्ट्री में लो टू हाई कह रहे हैं क्योंकि सॉल्यूट कंसेंट्रेशन अगर आप हाई टू लो लिखना चाहते हो आप लिखो लेकिन फिर आपको सॉल्वेंट मेंशन करना होगा यह बात समझ में आई व्हाट इज ऑस्मोसिस अगर आप हाई टू लो लिखना चाहते हो तो यू नीड टू स्पेसिफाई दी सॉल्वेंट कि भाई सॉल्वेंट की बात हो रही है अगर आप खाली कंसेंट्रेशन लिख के छोड़ोगे ना तो खाली कंसेंट्रेशन का मतलब तो सोल्यूट होता है ओनली कंसेंट्रेशन मीन्स सोल्यूट ठीक है चलो इसलिए मैंने लिखा लो टू हाई सोल्यूट का कंसेंट्रेशन ठीक ठीक देखो जहां सॉल्यूट कम है ऑब्वियसली वहां सॉल्वेंट ज्यादा है तो वहां से सॉल्वेंट निकल के दूसरी तरफ जाएगा ठीक है लो टू हाई जाएगा अच्छा एक बात तो और ध्यान देना मैंने यहाँ पे नेट फ्लो लिखा है वाई नेट फ्लो एक बार ना एक सवाल पूछा गया एग्जाम्पलर में मिल भी जाएगा आप लोगों को एनसीआरटी की ऑस्मोसिस में क्या होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल केवल हाई टू लो मूव करते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल केवल लो टू हाई मूव करते हैं या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दोनों तरफ मूव करते हैं इधर से इधर भी और इधर से इधर भी तो रियलिटी ये है कि कुछ सॉल्वेंट इधर से इधर भी जा रहे होंगे कुछ सॉल्वेंट इधर से इधर भी जा रहे होंगे लेकिन जो नेट होगा ना नेट कि ज्यादा कहा जा रहे होंगे नेट फ्लो किधर हो रहा होगा तो नेट फ्लो इधर हो रहा होगा समझ में आई ये बात कि इधर से भी सॉल्वेंट जा सकता है भाई इधर अगर ये बॉर्डर खुला हुआ है अगर इससे सॉल्वेंट पास कर सकता है तो इधर क्यों नहीं आ सकता कुछ मॉलिक्यूल इधर भी आ रहे होंगे कुछ इधर भी आ रहे होंगे लेकिन ज्यादा इधर आ रहे होंगे समझे तो दिस इज ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस क्लियर हुआ व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर अब समझना मैंने एक डेटा माना था कि ये प्रेशर है टेन ए ये प्रेशर है आठ ए और इसी वजह से मॉलिक्यूल इधर आ रहे हैं अगर मैं इधर दो ए का प्रेशर लगा दूं तो क्या होगा सोच के जवाब दो अगर मैं इस कंपार्टमेंट एटीएम पहले से था और प्लस टू एटीएम का प्रेशर लगा दूं तो क्या होगा सोच के जवाब दो। सोचो अगर प्लस टू एटीएम का प्रेशर मैं यहाँ पे लगा दूं तो फ्लो रुक जाएगा क्यों रुक जाएगा क्योंकि दोनों तरफ के प्रेशर क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा कहा जाता है वॉट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर इज एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर टू स्टॉप ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए आपको एक्सटर्नली कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं पाई से डिनोट करते हैं और इसका सीधा फॉर्मूला है सी आर टी ठीक है पीवीजन से ही निकलता है कि पाई is equal to CRT, ठीक? Where पाई ठीक, कॉन्सेंट्रेशन बोले तो मोलैरिटी यहां पे मोलैरिटी है बेटा आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट और T है अपने पास टेम्परेचर किस यूनिट में में तो अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना चाहते हो तो आपको कंसेंट्रेशन पता होनी चाहिए आपको R पता होना चाहिए और T पता होना चाहिए देखो R तो आपको पता ही है R का वैल्यू होता है मोल पॉइंट भाई R तो आपको पता ही है गैसेस स्टेट तो पढ़ी रखा है पाई इज इक्वल टू सी आर टी फॉर्मुला लगाना है ऑस्मोटिक प्रेशर निकल जाएगा ठीक तो एक ये हो गया अपना इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लेंगे एक टर्म आता है रिवर्स ऑस्मोसिस अगर मैं कहा गया मेरा पुराना डायग्राम जरा एक बार समझते हैं एक बार अच्छे से समझना अगर यहाँ पे दो से ज्यादा का प्रेशर लगा दिया जाए अगर फोर एटीएम का प्रेशर इस जगह पे लगा दिया जाए तो क्या होगा कोई बताएगा अगर लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट में दो की रिक्वायरमेंट थी ऑस्मोसिस रोकने के लिए अगर दो से ज्यादा मतलब फोर ए का प्रेशर लग जाए लेफ्ट कंपार्टमेंट में तो क्या होगा आपको नहीं लगता कि इधर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में भागने लगेंगे फ्लो उल्टा हो जाएगा बस इसी को क्या कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है सवाल करेंगे अभी इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन दी कंसनट्रेटेड सोलूशन कहते हैं और इसका एक एप्लीकेशन है आर ओ सुना है आपने सबके घर में आर ओ रहता है पानी प्योर करने के लिए तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस के फिनॉमिना से आर ओ मतलब पानी को प्योर किया जाता है टू गेट दी प्योर ड्रिंकिंग वाटर तो आर ओ याद रहेगा रिवर्स ऑस्मोसिस याद रहेगा चलिए अब करेंगे सवाल वॉट वुड बी osmotic प्रेशर एट 17 डिग्री सेल्सियस temperature पता है ऑफ एन एक्वाइंट सेवन 1.75 ग्राम सुक्रोज पर 150 फिफ्टी एम देखो 1.75 पॉइंट सेवन फाइव ग्राम सुक्रोज है 150 ml सॉल्यूशन है इसीलिए आपको मैंने मोलारिटी वगैरह इतने प्यार से सिखाई थी धीरे-धीरे तसल्ली तो से कि निकालना सीखो तो बेटा मोलारिटी क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर सुक्रोज के पहले मोल्स निकालो n भी निकालो गिवन मास इज 1.75 मोलर मास क्या होता है सुक्रोज का व्हाट इज दी मोलर मास ऑफ सुक्रोज सुक्रोज का फार्मूला ही नहीं पता C12H22O11 चलो फॉर्मूला मैंने बता दिया मोलर मास बताओ अरे इतना चिल्ला के तो मैं बोल रहा हूँ अभी भी आवाज कम आ रही है हम्म hmm? अब ऐसे कैसे चलेगा बेटा मैंने अपनी पूरी एनर्जी से बोल दिया वट इज दोलर मास ऑफ सुक्रोज थ्री फोर्टी टू इज दोलर मास ऑफ सुक्रोज राइट भाई सी ट्वेल्व है एच ट्वेंटी टू है ओ इलेवन है ठीक है थ्री फोर्टी टू थ्री फोर्टी टू मोल्स आ गए थाउजेंड से डिवाइड करो कितना आ जाएगा बेटा फाइव इंटू थाउजेंड थ्री फोर्टी टू इंटू वन फिफ्टी ये आ गया ठीक है ऊपर हो गया वन सेवन फाइव जीरो नीचे हो गया थ्री फोर्टी टू इंटू वन फिफ्टी कितनी बार गया सेवन अपॉन थ्री फोर्टी टू इज दोलैरिटी अगर मुझे मोलैरिटी पता चल गई मेरे पास टेम्परेचर भी है आर तो मुझे पता ही है तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकल जाएगा पाई इज इक्वल टू सी आर टी बेटा कंसेंट्रेशन हमने निकाल ली 7/342 आर कितना है 0.0821 है बेटा टेम्परेचर 17 डिग्री है इसको केल्विन में बदलोगे तो इट शुड बी 290 सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर पाई क्लियर है सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर पाई तो ये थी हमारी चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी rlbp एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर चारों पढ़ लिया चैप्टर खत्म हो गया क्या नहीं अभी तुम लोगों को एक सरप्राइज मिलेगा तुम लोगों ने सवाल में देखा होगा कि हम चारों क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज से ना मोलिकुलर मास निकाल रहे थे बार बार भाई मैंने बॉइलिंग पॉइंट दिया रिलेटिव लोअरिंग दिया कि फाइन द ऑफ सॉल्यूट बार बार यही निकल रहा था तो एक्चुअल में चारों चारोंटिव प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन है मोलर मास निकालना अच्छा एक सवाल यहाँ से आ गया कमेंट्स में बताओगे होमवर्क क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे है कमेंट्स करोगे कि विच करोगेगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ट फाइंड मॉलिकुलर मास ऑफ़ या खाली मोलिकुलर मास निकालने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर मास निकालने के लिए चारों में से कौन सी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ट मानी जाती है इसको जवाब देना तो मोलिकुलर मास निकाला और वो मोलिकुलर मास कुछ और ही आ गया मतलब जितना आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे उसके अलावा कुछ आ गया आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि एनए का मोलर मास होता है 58.5 लेकिन जब आपने प्रॉपर्टी से निकाला एक्सपेरिमेंटली निकाला ऑब्जर्व किया तो वो कुछ और ही आ गया तो इसे कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास अब ये क्यों कुछ और आया होगा पहले ये समझते हैं कि वाई एबनॉर्मल मोलर मास कम्स क्यों आते हैं मोलरमा सब नॉर्मल पहले ये समझते हैं। देखो आपने माना कि दो पार्टिकल आपने के मिक्स किए और आपने सारी कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग कर दी दो पार्टिकल के अकॉर्डिंग कर दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है आपकी सारी कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग चल रही है दो पार्टिकल के अकॉर्डिंग चल रही है लेकिन आप एक चीज भूल गए क्या भूल गए कोई बताएगा एन NaCl पानी में जाएगा तो क्या वो दो ही पार्टिकल रह जाएंगे अगर दो यूनिट पानी में डालोगे तो एक्चुअली टू पार्टिकल्स ना बेटा अगर आप दो पार्टिकल NaCl डालोगे ना तो आपको टू एन प्लस मिलेगा और टू Cl माइनस मिलेगा क्या इसको जानते हो इस फिन को डिसोसिएशन कहा जाता है ठीक है तो टोटल कितने पार्टिकल अपने पास हो जाएंगे चार और क्या ये चीज हमने अभी तक कंसीडर की थी कि ऐसा भी हो सकता है नहीं तो एक्चुअल में जो मोलिकुलर मास गलत आया है वो इसकी वजह से आया है कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन तो एबनॉर्मैलिटी इन मोलर मास मासनॉर्मैलिटी इन मोलर मास अराइजेस कहां कहां पे आएगी? इन केस ऑफ डिसोसिएशन अगर सोल्यूट आपका डिसोसिएट हो रहा होगा और अगर आपका असोसिएट हो रहा होगा जुड़ जाए समझ गए ना डिसोसिएशन और असोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएंगे और इसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी आएगी और इस एबनॉर्मेलिटी को हमें करेक्ट करना पड़ेगा तो हम एक करेक्शन फैक्टर लगाएंगे और उस करेक्शन फैक्टर को ही कहा जाता है वेंट फैक्टर। फैक्टर बेटा करेक्शन कि आपने जो गलती की है ना डिसोसिएशन और एसोसिएशन को भूल जाने की जो गलती हुई है आप ये कैसे भूल गए कि दो एन चार बन जाएंगे है ना जादू तो नहीं है डिसोसिएशन है या एसोसिएशन है तो अब आप करेक्शन लगाएंगे करेक्शन फैक्टर को कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर चलो तो वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे बेटा करेक्शन फैक्टर पढ़ेंगे बच्चे देखो ध्यान देना मैंने इसको आई से डिनोट करना है तो सबसे पहले मैं वेंट ऑफ फैक्टर लिख रही हूँ केस ऑफ डिसोसिएशन पहले समझ लेते हैं फिर एसोसिएशन ईजी है केस ऑफ डिसोसिएशन ठीक है आपने बचपन में सीखा होगा जब आप छोटे छोटे बच्चे थे कि डिसोसिएशन दो तरह का होता है एक होता है कंप्लीट और एक होता है इनकम्प्लीट तो पहले कंप्लीट डिसोसिएशन पे बात करते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन उसे बोलते हैं जब अल्फा आपका हंड्रेड परसेंट होता है या वन होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूरी होती है तो मान लेते हैं कि मैंने एक सोल्यूट लिया ए एन और वो जाके एन पार्टिकल्स में टूट गया मैंने इनिशियली इसका इस सॉलिड का केवल एक पार्टिकल लिया था लेकिन टूटने के बाद आफ्टर डिसोसिएशन मुझे कितने पार्टिकल मिलेंगे इक्वेशन देख के बताओ भाई एक से एन बन रहा है तो एक से मुझे कितने मिलेंगे एन मिलेंगे करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला है वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन मतलब शुरू में कितने पार्टिकल्स थे और बाद में कितने पार्टिकल्स हो गए तो बेटा यहाँ पे आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन पार्टिकल हो गए एन और इनिशियली हमने लिए थे वन आया समझ में तो कंप्लीट डिसोसिएशन के केस में आई सिंपली एन के बराबर आ जाता है वे एन क्या है एन क्या डिनोट कर रहा कि है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आयंस हैं कितने नंबर ऑफ आयंस में वो इलेक्ट्रोलाइट टूटता है ये एन है कितने नंबर ऑफ आयंस में वो इलेक्ट्रोलाइट टूटता है दिस इज एन और अगर आपका डिसोसिएशन है देखो अगर आपका डिसोसिएशन है ना बेटा तो आपको अल्फा जरूर गिवन होगा सवाल में इनकम्प्लीट डिसोसिएशन में अल्फा इज लेस देन वन और इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन तो मान लेते हैं मैंने ए एन लिया और वो एन ए बनाता है लेकिन डिसोसिएशन इनकम्लीट है तो अगर आप शुरू में वन लोगे तो जरूरी नहीं है पूरा वन का वन टूट जाए वन में से कितना टूटेगा केवल अल्फा टूटेगा क्योंकि इनकम्प्लीट है याद करो केमिकल चैप्टर में से केवल अल्फा टूटेगा और यहां बनेगा एन अल्फा तो टोटल तो पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा समझ में आ रहा है दिस इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा और बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं केवल वन तो I विल बी इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन अल्फा ये किसके केस में आ गया इनकम्प्लीट डिसोसिएशन के केस में फॉर्मूला आ गया तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं इनकम्प्लीट डिसोसिएशन के केस में और कंप्लीट डिसोसिएशन के केस में I इज क्लियर कंप्लीट डिसोसिएशन के केस में I इज सिंपली इक्वल टू एन कंप्लीट डिसोसिएशन के केस में I इज इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन अल्फा अरे ये तो लिखना आता है बचपन में सीखा था कि वन में से अल्फा गया यहाँ पे एन है तो एन अल्फा बनेगा दोनों को जोड़ दो सिंपल ठीक है फॉर्मूले को यूज कैसे करना है फॉर्मूला तो सीख लिया मैंने एक सवाल दिया आपको फाइंड आई फॉर बी ए सी एल टू इफ इट डिसोसिएशन होता है मतलब अल्फाइज टू जीरो पॉइंट एट ये बात तो समझ में आ गई अस्सी परसेंट डिसोसिएशन हो रहा है वट इज ऑफ एन बेटा ये कितने आयंस देता है नंबर ऑफ आयंस कितने होते हैं बेरियम क्लोराइड में वॉट इज वैल्यू ऑफ एन नंबर ऑफ आयन बेरियम क्लोराइड में टोटल तीन आयन है भाई ये ऐसे टूटेगा बी ए टू पॉजिटिव प्लस टू सी एल कितने समझ में वन प्लस टू इंटू जीरो पॉइंट एट तो कितना हुआ 2.6 ये आ गया इसके लिए आई करेक्शन फैक्टर के आ गया 2.6 आ गया आया समझ में कैसे निकालते हैं हम वेरी गुड वेल डन अब एसोसिएशन का केस देख ले बेटा चलो एक अच्छा सवाल आ गया वो देख लो द वेंटो फैक्टर फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज का वेंटो फैक्टर कितना होगा मुझे बताओ C6H12O6 को जब हम पानी में डालते हैं तो ये कितने पार्टिकल्स में टूटता है अच्छा हमेशा ध्यान रखना कि ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में नहीं टूटते और इनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना इनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं ये पानी में जाके टूटेंगे नहीं तो नंबर ऑफ पार्टिकल

तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आई हमेशा कितना आएगा वन नोट कर लोगे इसको। राइट बीस हजार का नोट फटाफट आई इज इक्वल टू वन फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पूछा है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आई सीधा क्या होगा वन होगा क्लियर हुई बात चलो अब हम सीख लेते हैं एसोसिएशन का केस बेटा सेकंड केस सीखते हैं इन केस ऑफ एसोसिएशन अच्छा डिसोसिएशन जैसे होता है वैसे ही एसोसिएशन भी पॉसिबल है अब डिसोसिएशन तो मैंने बता दिया कि NaCl पानी में जाके टूट जाता है कौन मुझे एग्जांपल देगा कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो पानी में जुड़ जाता है या किसी और सॉल्वेंट में जुड़ जाता है एसोसिएट हो जाता है जुड़ना एसोसिएट होना देखो एग्जाम्पल याद रखना एसिटिक एसिड इन बेंजीन बेंजीन में जाके एसिडिक एसिड जुड़ जाता है या बेंजोइक एसिड इन बेंजीन डाइमराइज हो जाता है बेटा दोनों क्या कर लेते हैं डाइमर बना लेते हैं जुड़ने लगते हैं एसिटिक एसिड भी बेंजीन में जुड़ता है बेंजोइक एसिड भी जुड़ता है ये एसोसिएशन का केस है आप देखो आपको डिसोसिएशन के फॉर्मूले याद है मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक एकदम शॉर्ट में एक ट्रिक करेंगे हम डिसोसिएशन के दो फॉर्मूले हैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंप्लीट में आपने लिखा आई इज इक्वल टू एन इनकम्प्लीट में लिखा वन प्लस एन माइनस वन अल्फा ठीक है एसोसिएशन के केस में आपको सिर्फ क्या करना है रिप्लेस एन बाय वन बाय एन जहां पे भी फॉर्मूले में एन दिखे उसको वन बाय एन से रिप्लेस कर दो आपके फॉर्मूले बन जाएंगे तो अगर कंप्लीट है एसोसिएशन अगर हंड्रेड परसेंट है तो आई इज इक्वल टू वन बाय एन हो जाएगा एन की जगह पर वन बाय एन और अगर इनकम्प्लीट है बेटा

इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में फॉर्मूले क्या थे और इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मूला क्या देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में आर एल बीपी का फॉर्मूला था रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला था पी ए नॉट माइनस पीएस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको क्या करना है बस करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है आई इन टू एक्स भी कर देना है। करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते चलो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला था के बी इंटू मुलालिटी यहां पे हो जाएगा आई मल्टीप्लाइड बाई केबी इंटू मोलैलिटी आई से मल्टीप्लाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला था के एफ इंटू मोलैलिटी बेटा यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा i इंटू के एफ इन मोलिटी करेक्शन करते जाओ i से मल्टीप्लाई करते चलो अभी-अभी फॉर्मूला अभी पड़ा पाई इज इक्वल टू सी आर टी यहां फॉर्मूला हो जाएगा i मल्टीप्लाईड बाय सी आर टी कोई डाउट सब में आपको क्या करना है करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है हर फॉर्मूले में इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन केस ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है क्लियर हो गया एक सवाल करें और क्लास को एंड करें थक गए हो तुम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो मैक्सिमम वेपर प्रेशर एट 300 है मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसका होगा कौन कौन से सोल्यूशन है वन मोलर एनएसीएल कैल्शियम क्लोराइड है वन मोलर एल्यूमिनियम क्लोराइड है मोलर है। आप ध्यान से देखोगे सबकी कंसेंट्रेशन सेम है सबकी कंसेंट्रेशन सेम है तो फिर इनमें अंतर क्या है आई विल बी थ्री तीन आयन देगा ये एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए आई विल बी फोर चार आयन देगा ग्लूकोज के लिए अभी अभी आपने बताया था आई इज इक्वल टू वन ठीक है अब फॉर्मूला क्या है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स बी बेटा ये तो सबका सेम ही आएगा कंसेंट्रेशन छोड़ दो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आई जिसका आई ज्यादा उसका लोअरिंग सबसे ज्यादा तो मैक्सिमम लोअरिंग किस में होगी जिसका आई मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके आई मैक्सिमम लोअरिंग किसके केस में होगी एल्यूमिनियम क्लोराइड के केस में होगी के हो के हो के हो के हो और यहां क्या पूछा है? यहां मैक्सिमम लोअरिंग पूछा है या मैक्सिमम वेपर प्रेशर पूछा है इस सवाल पे ध्यान देना ये सवाल आपको फंसा सकता है मैक्सिमम लोअरिंग पूछा है कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर पूछा है मैक्सिमम वेपर प्रेशर उसका होगा बेटा जिसका लोअरिंग क्या होगा मिनिमम होगा मिनिमम लोअरिंग किसके केस में होगी बेटा ग्लूकोज केस में होगी क्योंकि उसका आई सबसे छोटा है तो क्या ये बात आप लोग समझ गए हाँ क्योंकि मैक्सिमम लोअरिंग जिसकी हो जाएगी वो तो बहुत छोटा हो जाएगा तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर उसका होगा जिसका लोअरिंग क्या होगा मिनिमम होगा तो इस तरह के सवाल इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मैं आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी बेटा उस वर्कशीट के सारे सवाल आपको लगाने इन्हीं फॉर्मूले से होगा जो हमने क्लास में पढ़ा है एंड होपफुली आपको ये सब समझ आ गया होगा ठीक है देखो जब लेक्चर वन शॉट में जाता है तो थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रहता है तो उसका एक तरीका है क्योंकि बेटा बहुत सारे बच्चे सामने पढ़ रहे हैं आप ये चीज समझो कि हजार बच्चा अगर सामने पढ़ रहा है और आपको स्पीड कम या ज्यादा लग रही है तो जहां आपको ज्यादा लग रही है आप सेकेंड राउंड में रिकॉर्डिंग खोलो यूट्यूब पे ही तो है खोल के उसे आराम से स्लो करके देखो ठीक है लेकिन क्योंकि टाइम की कमी है बोर्ड पास आ रहा है फेबररी में एग्जाम्स हैं तो वन शॉट में चैप्टर निपटाना है तो इतना एनर्जी तो लगेगा इतना स्पीड तो लगेगा ठीक है समझ पा रहे हो अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए ज्यादा हो रहा है तो आप सेकेंड टाइम रीप्ले कर लो और जिनको लग रहा है कि बहुत धीरे चल रहा है वो बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखो क्योंकि अपने साथ साथ दूसरे बच्चों के बारे में भी सोचो ना दूसरों का भी भला करना है ठीक है तो जिसको भी लग रहा है सेकेंड टाइम पे रिकॉर्डिंग खोलो यूट्यूब पर अवेलेबल है जहाँ दिक्कत लग रही है पूरा देखो मैंने दो सवाल आपको होमवर्क के लिए दिए हैं कॉमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए दोनों सवाल याद रखना ठीक है एक और सवाल मैं आपको लास्ट दे रही हूँ होमवर्क के लिए वर्कशीट के अलावा ये इसका भी मुझे आंसर चाहिए वट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोटोनिक सल्यूशन आप लोग बायोलॉजी में भी पढ़ते हो केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो ऑस्मोटिक प्रेशर आपने पढ़ लिया है आइसोटोनिक सल्यूशन का मतलब क्या होता है चलिए लेक्चर को एंड कर देंगे अब हम एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे थोड़ा सा दो तीन सवाल है वो आप कर लीजिएगा वर्कशीट कर लीजिएगा क्योंकि मेरे तीन घंटे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा अगर तुम लोगों ने घर पे बैठ के वर्कशीट नहीं किया अगर चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है तो वर्कशीट कर लेना क्या मैम शायरी सुना दो मैम को शायरी वायरी नहीं आती बेटा हाँ जाने से पहले शायरी सुना दो केमिस्ट्री में कुछ सुनना है तो बोलो शायरी कहाँ बच्चे शायरी याद करके आनी पड़ेगी मुझे सुनाने के लिए हम्म चलो चलो टेक केयर एवरीवान सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड अगले एपिसोड में मिलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के ट्वेल्थ बोर्ड के अगले चैप्टर के साथ तब तक ध्यान रखो सब लोग अपना वर्कशीट सॉल्व कर लो चैप्टर दोबारा पढ़ लो एन सी आर टी पूरी रीड कर लो जो जो चीजें मैंने याद करने के लिए बोली हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव डिवेशन नेगेटिव डिविएशन उनको एकदम रट लो चलिए टेक केयर ऑल ऑफ यू बाय